अच्छी बात है जी। लाइव प्रोग्राम, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, अभी हमें लोग देखना शुरू हो रहे हैं। एक मिनट। जी अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ अब्दुल करीम साहब मौजूद हैं, जो कि इस्माइलिया मजहब से ताल्लुक रखते हैं, और इनके साथ मेरी एक घंटा पहले किसी और से भी बात हुई है, लेकिन अभी इन्होंने दोबारा हमें ज्वाइन किया है। और इस बार मैंने लाइव इसलिए रखा क्योंकि माशाल्लाह इनको अपने मजहब का बहुत नॉलेज है, यानी इस्माइली मजहब का बहुत नॉलेज है, और ये उसको शेयर भी करना चाहते हैं। जी अब्दुल करीम साहब, कैसे हैं आप? हाँ, अच्छा, आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है। जी, आपसे मेरा जो लास्ट टाइम अभी डिस्कशन हुआ था, कुछ एक एक घंटा पहले हुई था, उसमें आप बीच में कुछ किसी वजह से आपने जो है वो डिस्कनेक्ट हो गए, और मेरा जो लास्ट टॉपिक ये था कि मैंने आपसे पूछा था कि आपका इस्माइली कलिमा क्या है, तो आपने पहले इसको नहीं बताया, फिर बाद में कहा कि जी। जरा माइक करीब कीजिए, जरा माइक करीब कीजिए, और अली भाई अपना माइक जरा म्यूट कर दीजिए। जी बहुत शुक्रिया। हाँ, अब बेहतर हो गई है। जी बोलिए। मैं ये कह रहा था कि कलिमा वही है, ठीक है। हम लास्ट में अली वलीउल्लाह पढ़ते हैं, ठीक है, ठीक क्या पढ़ते हैं? दोबारा बोलिए, है। अल्लाह का वली दोबारा बोलिए, पूरा अली वलीउल्लाह, पूरा कलमा पढ़िए। पूरा कलिमा जिस तरह हमारे शिया बरादरी भी पढ़ती है, उसी नहीं, तरह आप से इस्माइली हैं, अल्लाह आप शिया नहीं हैं। मोहम्मद रसूल। सुनिए 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 हाँ सुनिए सुनिए, देखो गलत हाँ बात बोलना शुरू कर देंगे तो वो फिर नहीं ये नहीं नहीं टाइम हम कट नहीं होगा। नहीं 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 हमारे देखो, मैं एक आपको मिनट बता रहा हूँ, मैं एक आपको बता मिनट रहा हूँ, मोमो भी शिया इस्माइली है, ठीक है, शिया इस्माइली, आप अपना ठीक है, इस्माइली कलमा पढ़ो जो आप अपनी दुआ में पढ़ते हो। बात मुख्तसर और जवाब चाहिए। बिस्मिल्लाह कीजिए। मैं क्या पढ़ गया? दुआ जी, आप अपना में तो हम इस्मा कलिमा तो नहीं पढ़ गए। मुझे आपको अपनी दुआ आती है? नहीं, कर रही हैं आप, मैं आपकी इस्माइली दुआ की बात कर रही हूँ, जो आप जमात खानों में दिन में 3 दफा कम से कम पढ़ते हैं, वो मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो उसमें किस चीज में आपको प्रॉब्लम है, वो मुझे बताओ ना। मुझे आपका कलमा सुनना है, इस्माइली कलमा, मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुसलमानों का एक ही कलिमा है, इस्माइलियों का अलग कलिमा तो कोई नहीं है। अच्छा, तो अगर कोई और कलमा पढ़े किसी और तरह का तो वो क्या होगा? गुनाह होगा, सवाब होगा, क्या होगा? मुसलमानों के लिए तो एक ही कलिमा है, वो एक कौन सा कलिमा कलमा है, है ला जरा बताइए। इलाहा अच्छा, इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और अली अच्छा, अब आपका कलमा वलीउल्लाह से अलीउल्लाह हो गया, शिया वाले कलमा से अब चेंज हो गया। नहीं, वही है। मैंने पहले आपको क्या बताया था कि लास्ट में वही है। हाँ आपने अभी, क्योंकि लोग सुन रहे हैं, अब तो बहुत लोग हो गए माशाल्लाह से, 70 लोग देख रहे हैं हमें, आपने बोलो पहले बोला कि हमारा कलमा वही है जो शिया पढ़ते हैं, जिसमें वो वलीउल्लाह बोलते हैं। आपने उससे पहले जो मेरे पास रिकॉर्डिंग है उसमें आपने ये बोला था कि हमारा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। जब मैंने आपसे कुछ आपको दुआ, मैं वो भी डिबेट मैं इंशाल्लाह आज ही अपलोड कर दूंगी, जिसमें आपने कहा कि मेरा कलिमा भी यही है जो आप पढ़ रही हैं, लेकिन जब मैंने आपकी दुआ की बात की तो आपने डिस्कनेक्ट कर दिया। अब आप दोबारा आए, अभी आपको लोग सुन रहे हैं। पार्टी ठीक हनी, है, सुन लो सुन लो सुन लो। हाँ आप उस टाइम मुझसे पूछ रही थी कि कलिमा को आप रख लेना। आप मुझे ये बताओ कि आप तो कह रही थी कि मतलब जो है कुरान से इमामत को साबित करो, मैंने तो बोला ही नहीं आपसे ये बात, मेरी तो आपसे बात हुई कोई 10 मिनट है बस। देखिए, जो मेरी आपसे बात हुई ना वो रिकॉर्ड पर है, और वो अभी मैं इस प्रोग्राम के फौरन बाद यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगी। और आपकी बात हुई थी अली भाई से, इमाम अली से, मैं बिल्कुल एंड पर मेरी आपसे बात हुई, और वो 10 मिनट की रिकॉर्डिंग है, और 10 मिनट में ही आपने ये कह दिया हेलो। कि लो जी ये चले गए। जरा दोबारा इनको ले आइएगा अली भाई, जरा कॉल पे।
इसी कॉल पे ऐड कर दीजिए, हम वेट कर लेते, दोबारा कॉल लगने लगी है, इंशाल्लाह फिर देखते हैं क्या होता है। ये इनका हाल है, 1 घंटा पहले मेरी इनसे डिस्कशन हुआ, इन्होंने अपना कलमा मानने से इनकार किया, ये कहा कि हमारा कलमा भी वही है जो इस्माइलियों का है, हमारा है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलल्लाह। उसके बाद अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले सुना होगा कि ये अपना कलमा बता ही नहीं रहे थे, बल्कि कह रहे थे कि हमारा कलमा शिया वाला है जिसमें हम वलीउल्लाह पढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने बात की, इनकी दुआ की और दिखा दिया, तो इनको समझ आ गई कि अब राज खुलने लगे हैं। अच्छा, यहाँ पे कोई कह रहा है कि मुझे कॉल पे लो, मैं आपको बताऊंगा। जी राजू यश नाम है आपका, मैंने लिख दिया है यहाँ पे, स्ट्रीम यार्ड का लिंक मैं आपको दे रही हूँ, इसको ज्वाइन कर लीजिए। राजू यश साहब, आपके कमेंट के नीचे ही स्ट्रीम यार्ड का लिंक है, ये आ चुके हैं करीम साहब वापस। जी करीम साहब, हेलो करीम साहब। अच्छा, उनका कॉलिंग लिखा आ रहा है खाली। अली भाई, ये इन्होंने अपना वाईफाई नहीं म्यूट नहीं किया, उनका कॉलिंग लिखा आ रहा है, उन्होंने अपना वाईफाई ऑफ कर दिया। राजू यश का वेट करते हैं, अगर वो नहीं आए तो फिर हम प्रोग्राम एंड कर देंगे। मेरे पास बाकी जो है वो 2-4 डिबेट्स हैं, ये देखे उन्होंने कट कर दिया। हमारे पास 2-4 डिबेट्स हैं जो आज हमारी हुई है, एक अफगानी भाई से हुई है और एक हमारी इनके साथ हुई है, करीम अली के साथ। फेसबुक यूजर कहते हैं मुसलमानों को फिरकों में तकसीम खुलफा राशिदीन ने किया है, तो उनके बारे में आप क्या क्या ख्याल है? आप अपना जो दावा जो किया ना, आपने ये साबित करना होगा कि फिरके जो है वो खुलफा राशिदीन ने बनाए हैं। अजहर अली भाई, मैंने आपको स्ट्रीम यार्ड का लिंक दिया है, आप ज्वाइन कर लीजिए वहां पर। मेरे ख्याल से ये करीम अली भाग गए। सलीम भाई हमारे साथ मौजूद है। सलीम भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अचानक से प्रोग्राम रखा है, हाँ, क्योंकि अचानक ये साहब सुबह से कुछ हमें बार बार कॉल पे कॉल कर रहे थे, तो मैंने इनको जैसे ही स्ट्रीमयार्ड का लिंक दिया तो वो अब इस तरह हो गया। कहते हैं मैं लिंक ओपन कर रहा हूँ, ज्वाइन नहीं आ रहा। ज्वाइन राजू साहब, आप इंटरनेट यूज कर रहे हो, आपको स्ट्रीम यार्ड यूज करना नहीं आ रहा। ये जो स्ट्रीम यार्ड का लिंक है, इस पे क्लिक करेंगे तो आप आराम से, हमारे पास ब्राउजर खुलेगा, ब्राउजर में अंदर आपको ऑप्शन आएगा माइक और कैमरा का, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो अच्छा इमरान खान, पेस्ट कर दे ये लिंक को। हाँ हाँ, अच्छा ये इमरान खान कहते हैं कि राजू यश ब्रो डोंट पार्टिसिपेट इन दिस रबिश डिस्कशन। अच्छा, जहाँ इनके राज खुलते हैं वो रबिश हो जाता है, और जो दिन में 3 दफा रबिश करने जाते हो जमात खाने में, उसका क्या? अल्लाह हिदायत दे। और अभी जो है जी आलम साहब आ गए। जी अस्सलाम वालेकुम आलम साहब। जी आलम साहब, आप सुन रहे हैं हमारी बात? बड़ी अच्छी अच्छी डिस्कशन हुई है। इमाम अली भाई, आप तो मैं तो मुबारकबाद हूँ जो आपने अफगानी के मुंह से सारी बातें निकलवाई हैं। वो तो साहब कह रहा है कि मेरा इमाम ने तो दुनिया बनाई है। हाँ, वो तो खुद लिए बोल रहा है। वो रिकॉर्डिंग हो गई तकरीबन 1.5 घंटे की है, तो वो अपलोड करेंगे उसको पार्ट्स में। बहुत ही शॉकिंग रेवलेशन उसने किए हैं इस तमाम चीजों में। आलम साहब, आपका माइक अगर कनेक्ट हो गया तो आप बात कीजिए हमसे। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आपका माइक बहुत दूर से आवाज आ रही है, आप अपना माइक रिमूव कर लीजिए ताकि आवाज आ जाए हमें। हेलो, जी जी आ रही है मुझे आवाज, बोलिए। इमरान खान उनजाई कहते हैं इन लोगों ने अपने मजहब को कारोबार बनाया। जी ये फिट होता है आपके हाजिर इमाम पे, हम कोई किसी चीज की इबादत के पैसे नहीं लेते, आपके इमाम की हर हर रसूमात में हर चीज में जो है वो पैसा ही पैसा है। हम साबित भी कर सकते हैं और हम एक्सपीरियंस भी कर चुके हैं, नांदी से लेके छांटा गुनाह माफ करवाने तक के भी आपके इमाम पैसे लेते हैं, तो ये फिट होता है आपके इमाम पे।
हमारे पनीर कीजिए ये फिट। राजू यश कहते हैं ज्वाइन नहीं हो रहा, मुझसे डायरेक्ट बात करें। आपकी जो डायरेक्ट की आपने स्पेलिंग लिखी ना, उससे पता चल गया कि आपसे ज्वाइन होगा भी नहीं। आप एक काम कीजिए, व्हाट्सएप पे जो है वो मैसेज कीजिए हमें। आवाज बहुत कम आ रही है आलम साहब आपकी। राजू यश ने भी गलत जो है वो लिखा है कलिमा, इस्माइली कलमा ये नहीं होता जो आपने लिखा राजू यश साहब। इस्माइली कलिमा स्क्रीन पे दिखा देती हूँ जो आप लोग पढ़ते हो। ये धोखा दही करना बंद करें आप लोग। राजू यश ने भी गलत कलमा लिखा है, इस्माइली ये कलमा नहीं पढ़ते, शिया ये कलमा पढ़ते हैं। इस्माइलियों का कलमा स्क्रीन पे शो हो रहा है। किसी को डाउट हो तो अपनी जमात खाने की जो दुआ की किताब है उसको देख लें। किसने ज्वाइन किया है राजू यश भाई, व्हाट्सएप पे कॉल करो ना। अच्छा वो करीम अली भाई तो चले गए मेरे ख्याल से, अब्दुल करीम वो तो भाग गया। हेलो जी एस ए साहब। हाँ मैडम सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। बस मुझे आपसे एक दो क्विक क्वेश्चंस करने हैं। क्विक नहीं कीजिए आप, हमारे पास बहुत टाइम है, आप आराम आराम से सवाल कीजिए और हमारे सवालों का भी जवाब दीजिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहला सवाल ये है कि आपके स्टेज पे आप सुबह शाम दोपहर 24 घंटा आपके जहन में ये छाया हुआ है, आप इस्माइलियों के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा करती हैं, तो इसमें कुछ चीजें जाहिर मतलब ये देखें ना, कुरान के अंदर भी फरमाया गया है कि मुनाफिकीन और जो इस तरह के जो लोग होते हैं उनकी एक निशानी ये होती है कि हकीकत के साथ थोड़ा सा झूठ भी शामिल कर देते हैं। ठीक है, ये एक बेहतरीन निशानी होती है उन लोगों की जो मुनाफिक हैं और जो जहन्नमी हैं। सवाल चाहिए था, लेक्चर नहीं, सवाल चाहिए लेक्चर नहीं, सवाल कीजिए लेक्चर नहीं। सवाल कर रहा हूँ ना मैं, सवाल कर रहा हूँ, सवाल कर रहा हूँ आपको, सवाल कीजिए लेक्चर मत दीजिए। नहीं मतलब आप देखें ना, आप जो है ये करती हैं कि जो कुछ एक दो कल्चर प्रैक्टिसेस हैं हमारे जो खोजा जमात है कराची के अंदर, उनको मिला के जो है ना उनके कल्चरल प्रैक्टिसेस को आप एक कोई मिसाल के तौर पर एक आदमी है, ठीक है, वो कोई शराबी है और वो इस्माइली भी हो सकता है, वो सुनी भी हो सकते हैं, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन ये मतलब नहीं है कि वो उस मजहब को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसी तरह से कुछ कल्चरल प्रैक्टिसेस होते हैं उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो उस मजहब के एसेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ एसेंशियल्स, कुछ फाउंडेशंस, फंडामेंटल्स होते हैं, बाकी हर कोई अपना क्वेश्चन कीजिए लेक्चर नहीं मेरे भाई। क्वेश्चन मेरा ये है कि आप जो है ना मतलब इधर उधर से बातें जो है खुजा जो प्रैक्टिसेस हैं उनको मिला के आप जो है ना इस्माइली मजहब के ऊपर आप उनको ऐसा पेश करती हैं कि ये यही इस्माइली मजहब है। ओके, आपने दो स्ट्रॉन्ग वर्ड्स इस्तेमाल किए। ओके लेट मी कंक्लूड। आपने कहा कि मैं प्रोपेगेंडा करती हूँ, प्रोपेगेंडा का जो एक्चुअल डेफिनेशन ये है कि फॉल्स चीजों को बहुत ज्यादा प्रोपेगेट किया जाए, बहुत ज्यादा उसका जो है प्रचार किया जाए और उसको एज अ सच बताया जाए। तो आप तो पहले ये बताइएगा कि मैंने ऐसा क्या झूठ बोला जो आप लोगों की रसूमात नहीं होती या आप लोगों का वो कलमा, जैसे अब कलमे की बात हो रही थी, आपका इस्माइली दो भाई आए दोनों ने गलत कलमा पढ़ा, आपका इस्माइली कलमा नहीं पढ़ा जबकि मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। आप शराब की बात करते हैं, ठीक है, मैं खोजा जमात की बात नहीं करती, मैं आपके इमाम की बात करती हूँ। आपके इमाम शराब बेचते भी हैं, शराब पीते भी हैं, उनकी फैमिली खुद भी ये सिगरेट पीती है, शराब पीती है, साबित कर सकती हूँ। अब आप इस चीज को कैसे डिनाई करेंगे बताइए। वो देखें मैडम, आप जो है ना आपके जहन में खाली गन और खतूर के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। मैं दिखा देती हूँ, मैं दिखा देती हूँ, आपके इमाम शराब बेचते हैं, आपके इमाम शराब बेचते हैं, मुझे वो दिखाने दीजिए प्लीज, मुझे दिखाने दीजिए। आपके इमाम का सरीना होटल का फरमान, आपके इमाम ने सरीना होटल की ओपनिंग पे साफ कहा है कि जी यहाँ पे शराब बेची जाती है और यहाँ पर जो है वो हम नॉन मुस्लिम्स को, फॉरेनर्स को शराब पिलाते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है
वो एक तरह का हम लोगों ने आपस में ट्रेडिशनल डांसिंग भी परमिटेड की है और एक सोशल हमारी गैदरिंग होती है। आपके इमाम के फरमान है, ये देख लीजिए, एक और दिखा देती हूँ मैं आपको। आपके इमाम कहते हैं कि मैंने कभी जो है वो शराब नहीं पी, अव्वल तो इस बात इस वजह से क्योंकि हमारे मजहब में मना है, दूसरा ये कि मुझे उसकी टेस्ट पसंद नहीं। अब जिस इंसान को जो है वो टेस्ट पसंद नहीं, वो उसको कैसे पता चले इसका टेस्ट कैसा होता है? ये देखे, आई बैठा है डोंट वो, ड्रिंक देखे आई वो मेरी ड्रो आई बात डोंट सुनिए। ड्रिंक अल्कोहलिक बेवरेजेस फॉर सेवरल रीजंस। फॉर वन थिंग, आई एम अ मुस्लिम, अपने आप को मुस्लिम कह रहे हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, स्माइली नहीं कह रहे। दूसरा कि मैं एथलीट हूँ, मैं जो है वो एक खिलाड़ी हूँ। दूसरा ये कि मुझे इसकी टेस्ट पसंद नहीं, आई डोंट लाइक द टेस्ट ऑफ दिस स्टफ। अब जिस चीज को चखा नहीं, उसका उसके जायके का कैसे पता आपके इमाम को? देखो मोहतरम मोहतरमा, आपको आप कहती हैं कि आप बज़ाहिर लंदन में बैठी हैं या पता नहीं किसी मगरबी मुल्क में बैठी हैं, लेकिन अफसोस ये है कि आपको सेंस ऑफ ह्यूमर का उन इलाकों के जो है ना, मतलब आप जिस कल्चर में बैठती हैं उस कल्चर का एक सेंस होता है ना, उसमें उस उसलूब में बात करनी यानी पड़ती है। काफिरों ठीक के है, साथ तो बैठ के शराब पीनी चाहिए? मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। अफरा है मजाक, अफरा है मजाक भी एक बात की जाती है, इसको भी जरा समझने की कोशिश करें। हमेशा एक ये दूसरे के मजाक ऊपर है, जो है ना दम ये भी लेते हैं। मजाक है। और एक सेकंड, तो होल्ड मेरी कीजिए, बात होल्ड कीजिए। ये सुनो भी मजाक है, ना, मेरी बात ये भी सुनो, मजाक है। हाजिर इमाम के वालिद साहब शराब के सामने औरत के साथ बैठे हुए हैं, ये भी शराब, ये भी मजाक चल रहा है, मजाक मजाक में? वो भाई देखे, मतलब ये कोई खुदा थोड़ी है, या ये कोई जनाब एक आम इंसान है, इनसे भी गलती हुई है, वो भी कोई इमाम थोड़ी थे, हजर इमाम के वालिद। ठीक है ना, वो अच्छा, एक आम उनसे इंसान गलती नहीं थे। हुई वो है, ये इमाम खुद है, इमाम नहीं, खुद है शराब के आगे। अब ये बताइए, ये गलती नहीं है? क्या ये इमाम की फोटो है, जरा देख लीजिए। अच्छा, करे, ये फोटो जो है ना आप फोटोशॉप करके पता नहीं आप क्या कुछ करती हैं, ये तो खैर ये भी इंसान छोड़ फोटोशॉप है, ये दीजिए। इमाम की बेटी जो है, इमाम की बेटी है, ये फोटोशॉप है? वो जा रहे इंटरनेट पर, आजकल के दौर में पता नहीं क्या कुछ नहीं होता है, ये जो है ना मतलब खाम खाम है लोगों को ये बदनाम और बेरहमी की तरफ फैलाने वाली बातें हैं। अच्छा, ये भी फोटोशॉप है। किसको किसको तो बेवकूफ बना रहे हैं अपने आप को? ये देख पता लीजिए, नहीं कहाँ कहाँ से आ गई ये भी तस्वीर, फिर फोटोशॉप है तक जनाब, आप मुझे ये बताइए आपको पसंद नहीं है ना। जनाब। चलो ठीक है, आपको ये अच्छा, चीज पसंद सरीना नहीं होटल है तो किसका आप है? ऐसा हो नहीं कर जाओ ना, क्यों खा सरीना बखा दे। होटल तो किसका है? मेरी सरीना बात होटल सुनो, किसका है? मेरी मेरी सुनो, बात सुनो, सुनाओ। मेरी बात सुनो, एक बहुत सिंपल सवाल का जवाब दो मुझे। ठीक है, बोलिए। तुम्हें पसंद नहीं है ना, ये तुम्हें पसंद नहीं है, ठीक है, इस्माइली मजहब और प्रैक्टिस पसंद नहीं है, तो क्यों जनाब इनके पीछे लगे हो? बस छोड़ो, खत्म, सुनी हो जाओ, पता नहीं क्या काफिर होना है, जो भी होना है दफा हो जाओ, निकल जाओ। ये अच्छा, मुझे यानी बताओ कि कि इनके हम पीछे क्यों लगे लोगों को हो? जा लोग भले जहनों में जा रहे, जाने देना उनको, आप लोग जो मर्जी करो करते रहने देखो दो, कोई मसला देखो, नहीं है ना? अपनी तरफ देखो, तुम्हें जो है ना क्या करना चाहिए, हक की तरफ बेशक अगर तुम समझती हो कि फलाना हक है, ठीक है, उसकी तरफ बेशक तब्दील करो, लोगों को जनाब इधर आगे पीछे इकट्ठा करो, ठीक है, जो भी करना है करो। तुम्हारा पैगाम क्या है वो बताओ ना, तुम्हारा पैगाम क्या है, अपना पैगाम ठीक है, बताओ। पैगाम ठीक बता है, देते बाकी हैं। आप अपना नाम बताइए ताकि जनाब आपको मैं किसी पैगाम दे सकूं। आप अपना नाम बताइए, मैं आपको पैगाम दे सकूं। एक कम्युनिटी को टारगेट बना के सुबह शाम देना, रियालियां निकलिए, मामला करना, सुबह शाम। ड्रामेबाजियां करना, ये नहीं करना चाहिए तुम्हें। ठीक है, देखो अच्छा, ठीक है। अच्छा, सुबह शाम दिन रात हफ्ते में कोई 7 दफा, उसके बाद जो है वो आप लोग साल में 365 डेज, आपके इमाम आपको बेवकूफ बनाते हैं, उसका क्या करेंगे? उनको भी यही बोलेंगे ये खुशी क्यों हम कर रहे हैं? खुशी देखो इसके लिए हम खुशी 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 बेवकूफ होने के लिए तैयार हैं। तुम्हारी जैसे 2 नंबरी खातून की बातें सुनने से इमाम हमें बेवकूफ बनाए, सब 100 दफा बेवकूफ बनाए, हम आप खुश यहाँ हैं, तुम्हें 2 नंबर क्या खातून पता की चलेगा, जो है बताओ। वो डेफिनेशन क्या होती है? 2 नंबर कौन है? जो ये जारा आगा खान के हाथ में जरा सिगरेट तो देखिएगा, मेरी बात सुनो, हमारे यहाँ दो दो नंबर औरत वो होती है जो इस तरह जो है वो सिगरेट पी रहे खुलेआम, और जिसकी जो बहू है वो उसकी टांगे दिख रही हो। हमारे यहाँ 2 नंबर वो की भाई तुम्हारा डेफिनेशन हाँ ये जो होती देख रहा तुम, आप देखो तुम्हारे हाँ में जो भी जो अच्छा होता है जो बुरा होता है, अपनी बुराई अच्छाई के साथ बैठो ना, हमें क्यों डिस्टर्ब करते हो, मुझे ये बताओ। है। आपको क्यों डिस्टर्ब करते हैं? हम हमजा आप वाला हमजा है, हम वाले? आपके इमाम से खुश है, तुम हराबी को क्या तकलीफ है बताओ, अच्छा, मुझे क्या तकलीफ है? मुझे ये तकलीफ है कि आप लोग हमारे क्या इस्लाम का बोल। लेबल इस्तेमाल करते हैं। जी सरीन भाई, हाँ बराबर, उनको यही बोलना है कि अगर हमको यही तकलीफ है कि आप अपना इस्लाम का लेबल हटाओ ना, फिर अपने आप को मुसलमान क्यों कहते हो? क्या कह रहा, तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रहा, तो तुम्हारी आवाज यानी टूट रहा था, आप क्या अपने कह रहे? आप कह रहे हो कि हमको हमारा जो भी हम करते करने दे, बराबर है, हाँ हाँ और आप बिल्कुल, अपना तुमने करें, तकरीब किया है, बताओ। बराबर है, हाँ
तो फिर आप इस्लाम के बैनर के नीचे ये सब काम मत करो ना, आप ये कह दो अलल ऐलान कि हम लोग मुसलमान है ही नहीं, हमको जो करना है करने दो, बोलो आप, मुझे आपका इमाम ये मेरी बोल बात रहे हैं। सुनो, इस्लाम तुम्हारे बाप का है, है? तो तुम्हारे बाप का है क्या, तुम्हारे बाप का है? नहीं, नहीं, तो तुम कुछ भी उसके अंदर कुछ भी उसमें ऐड करोगे, कुछ भी डिडक्ट करोगे। बात सुनो, मेरी बात सुनो बकरियत, ठीक है, अल्लाह ताला ने हम सबको पैदा किया है, ठीक है, कुरान पाक मेरे लिए भी और आपके लिए भी, ठीक है ना, मेरे लिए भी और आपके लिए भी, हम अपनी जबान में कहते हैं साजो, ठीक है, बराबर है, हम हमारे लिए, हम सबके लिए बराबर है, हम अपने अपने तरीके से हम सब समझेंगे, कोई बेगैरत जो है ना मेरे ऊपर थोप नहीं सकता है, मैं खुशी अपने तरीके से जिस इंटरप्रिटेशन को बेहतर समझू उसी को मैं फॉलो करूंगा, एक आजाद फ्री कॉन्शियस के साथ जनाब यारी मैं अपने मजहब को खुद फॉलो करूंगा। तू जो है ना सुबह शाम बैठ के इधर जनाब, बिल्कुल बिल्कुल, आप सुनिए मेरी बात, अभी आप जिस तरीके से रहना चाहते रहिए, कोई मसला नहीं हमारे, आप नंगे रहिए, आपका इमाम जो भी करना है, शराब पिए बेचे जो कुछ करे, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप लोग है ना इतना जो आपको तकब्बुर है ना कि भाई हम ये सब कर सकते और हम करेंगे, हमारे को क्यों टोकते हो, तो मेहरबानी करके आप इस्लाम का टाइटल हटा दीजिए। अब आप बोल दो इस्लाम आपकी आपकी तो आपकी रियासत है, आप उसके अंदर आगे कुछ भी बिगाड़ पैदा करेंगे। देखो मेरी बात सुनो, तुम होते कौन हो, तुम होते कौन हो, इस्लाम को कैसे भी यूज करने वाले तुम कौन होते हो? बिल्कुल बात सही है, हमने नहीं ठेका लिया, तुमने ठेका ले लिया इस्लाम का। देखो ना मुझे तुम्हारे बात करने की तमीज नहीं है, क्या कह रहे हो, कोई भी एलिगेशन डाल रहे हो तुम, एक तो तुम्हारी आवाज जो है ना ब्रेक होके आ रही है, लेकिन मैं तुमसे ये सवाल पूछता हूँ कि तुम होते कौन हो जनाब यारी मेरे ऊपर, तुम कौन होते हो हमारे को सिखाने वाले? हाँ ठीक है, मैं फिर तुम तुम्हारा करो, फिर काय को आए हमारे इस केस के ऊपर, जिसको सीखने आएगा समझेगा, तुम कौन होते हो भाई? मुझे पता भी नहीं है तुम कौन हो, देखो तुम बेगैरत इंसान, तुम अरे तू बेगैरत है यार, हम कहाँ बेगैरत है, गैरत तेरे को नहीं है, हम तो तमीज के साथ आपसे बात करना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, आप तो बोलते हम जैसा रहेंगे रहना चाहते रहेंगे। मेरे भाई, ओ मेरे भाई, ऐसे क्या नाम है इनका, हमारे बड़े भाई का, ये पता नहीं इनका एस से इन्होंने कुछ लिखा है, एस ए पता नहीं क्या नाम, नाम नाम तो पूरा लिखा करो मेरे भाई, ठीक है चलो। अब हमारा देखिए मेरे भाई, ये इस्लाम जो है ना, ये हमको अल्लाह ने हम मुसलमानों को दिया है और हम इसकी पैरवी करते हैं और हमारी ड्यूटी है इसकी रखवाली करना। अब इसमें जो बिगाड़ पैदा करेंगे, आप अपना बिगाड़ ला के यहाँ पे डालेंगे, वो हम नहीं डालने देंगे। आप बिगाड़ अपने पास रखो, आप बिगड़े हुए रहो, अपने पास अपना बिगाड़ रखो, इस्लाम का लेबल यूज करके जो मन मानी चाहे, जो दिल चाहे, हमारा इस्लाम है, ये ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है? इसका मैं जवाब देता हूँ, मेरी बात इसको मैं जवाब देता हूँ, ठीक है, इसका जवाब देता हूँ आपको, अल्लाह ताला गौर से और बर्दाश्त से सुनने की तौफीक अता फरमाए, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात यह है, इस्लाम के अंदर 72 फिरके मौजूद है और हर फिरका अपने नुक्ते नजर से इस्लाम के उन बुनियादी उसूलों को कुरान पाक के अंदर और हजरत मोहम्मद के अहादीस के अंदर और जो सूरह उसवाए हुस्ना है, मेरे बात तो सुनो एक बात, ये फिरके का जो है ना, देखो 73 फिरके हैं, ठीक है ना? जी 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 जी, हमारे सलीम अहमद भाई, 73 फिरके में से 72 फिरके अल्लाह की इबादत करते, एक इस्माइली फिरका है जो आगा खान की इबादत करता है। इसमें एक बात आप लोग जरा समझ लो, ये जो हदीस है इसको मैं खुलासा करूं, सबसे पहले हदीस को समझ लो, हदीस का मफहूम खुलासा यह है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल में 72 फिरके हैं और मेरी उम्मत में 73 फिरके, इसमें से एक फिरका जन्नत में जाएगा, बाकी जो है जहन्नम में जाएगा। सहाबा ने ये नहीं पूछा कि वो 72 कौन है, सहाबा ने ये पूछा कि वो एक कौन है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया जिसका खुलासा मफहूम है कि जो मेरी और मेरे खुलफा और सहाबा के तरीके पर चलेगा वो जन्नत में जाएगा। अब अगर पूरी दुनिया में चाहे इस्माइली हो कोई भी हो, आगा खान हो कोई भी हो, अगर वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर है
उनकी सुन्नत पर है और सहाबा और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पर है, अहले बैत की सुन्नत पे जो उस जमाने के थे, अहले बैत जो सहाबा के जमाने में मौजूद थे उनकी सुन्नत पर है तो वो जन्नत में जाएगा। अब हम ये जो फिक्र कर रहे हैं मेरे भाई जो इस्माइली भाई मौजूद है, इसकी फिक्र ये है कि आप वो एक में शामिल हो जाओ, क्यों 72 के सर पटक रहे हो, 72 के अंदर 72 में शामिल क्यों होना चाहते हो, एक में हो जाओ भाई। हम तो यही चाहते हैं कि भाई पूरी दुनिया का मुसलमान एक अल्लाह की इबादत करे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया उस पर अमल करे, जो कुरान का हुक्म है उस पर अमल करे। क्यों नई नई चीजें पैदा कर अल्लाह का दुश्मन बने, अल्लाह के नबी का दुश्मन बने और अपने दीन का दुश्मन बने, अपनी जात का दुश्मन बने और दुनिया में तकलीफ उठाए, मरने के बाद तकलीफ उठाए, ऐसा काम क्यों करना भाई। जी जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल मुनासिब बात की है मेरे भाई, मलिक खुजा है मेरे ख्याल में आपका नाम इधर नजर आ रहा है, आपने ये बिल्कुल मुनासिब बात की है। अगर आपके पास कोई हक बात है यही तरीका होना चाहिए हम सबका, ठीक है, अगर आप समझते हैं कि सही रास्ता यही है और इस्लाम को अल्लाह ताला को पहचानने का सही रास्ता यही है तो आपको तलकीन करना चाहिए, तबलीग करना चाहिए, हम सबको समझाना चाहिए। इससे हो सकता है कि अल्लाह ताला हम सबके दिलों के अंदर सही रास्ते पर निकलने के लिए तौफीक भी दे देता है और कुव्वत भी दे देता है और अकल सलीम इस्तेमाल करके उस जानिब आपकी तरफ बढ़ने के लिए मौका भी दे देता है। लेकिन ये कोई तरीका नहीं हुआ कि आप सुबह और शाम ये खातून जो बैठी होती है, ठीक है ना, पता नहीं बार इसका भी खुलासा सुन लीजिए, इसका भी एक खुलासा सुन लीजिए आप, कुरान में अल्लाह पाक सुनिए आप बात सुनिए, कुरान में जो है अल्लाह पाक ने नहीं अनिल मुनकर का हुक्म किया है, यानी जो गलत होता हुआ देखो उसको रोकने का भी हुक्म है। नहीं, वो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त, उसमें कोई हर्ज नहीं। अगर आप गलत कर रहे हैं या आपका इमाम गलत कर रहा है या आपकी जमात जो है अल्लाह और रसूल से हटकर, कुरान और सुन्नत से हटकर कोई काम कर रहे हैं, उसको लोगों के सामने लाना ये भी जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी है। ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। इसके लिए देखो तालिबान ने अफगानिस्तान के अंदर पूरा एक जनाब हुकूमत कायम किया हुआ था, ना ही अनिल मुनकर व अमर बिल मारूफ के नाम से, ठीक है, तो लेकिन अब हम जो है ना पूरी दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक के अंदर बैठे हुए हैं। सही है, आप इंग्लैंड में, आप कहते हैं कि आप हम इंग्लैंड में बैठे, इंग्लैंड के अंदर अगर आप बैठे हैं तो वहां पर कुछ कानून भी मौजूद होते हैं, अगर कोई बंदा कानून तोड़ता है तो वहां पुलिस होती है, ठीक है, कानून हम इस्लाम के कानून की बात करो, यहाँ वहां के कानून की बात मत करो। इस्लाम का अल्लाह का कानून क्या है, अल्लाह का हुक्म क्या है, कुरान का हुक्म क्या है, उसके ऊपर बात करेंगे। हमारा ये जो ग्रुप है, हम जो मेहनत कर रहे हैं, ये दुनिया के कानून और इंग्लैंड के अमेरिका के कानून की बात नहीं हो रही है, हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि भाई इस्लाम के कानून में आ जाओ, या तो अपने आप को कहो कि हम मुसलमान नहीं है, बात खत्म हो जाती है, या तो मुसलमान हो तो भी इस्लाम के ताबे हो जाओ, कुरान के ताबे हो जाओ। मुनाफिक क्यों बने हो, इंग्लैंड में बैठ के वहाँ की शराबी अयाशियां तो तुम करते हो, हमें क्या पता, हमने तुमको देखा है फेसबुक पे जाके। हाँ तो वो आपका गुमान है, वो आप जो सोचना है सोचो, अल्लाह जानता है क्या करते हैं, अल्लाह जानता है। देखो मुझे क्या पता, ये बोहतान है, हाजा बोहतानुल अजीम, ये आपने बोहतान लगाया, ये आपने जो कहा कि भाई शराब पीते हैं ये बोहतान लगाया आपने, इसका जवाब आपको अल्लाह के यहाँ देना पड़ेगा, आपके पास कोई सबूत नहीं, आप बगैर सबूत के बोहतान लगा रहे हो। इंग्लैंड में क्यों बैठे हो बताओ मुझे, अगर आप ये समझते हो कि इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है, सारा कुछ करना, कानून आपको पसंद नहीं, उधर क्यों बैठे हो, अमेरिका इमाम पुर्तगाल में क्या कर रहे हैं। हेलो हेलो, मेरी बात सुनो, उस सवाल का जवाब हम बाद में देंगे, पहले तुम अपने जवाब दो। कहीं भी बैठे हैं, दुनिया सब अल्लाह की है, अल्लाह की जमीन है, कहीं भी बैठे हैं लेकिन इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं। होम ऑफिस में तुम्हारे खिलाफ जनाब हम इधर करके तुम्हें जरा दफा करवाएंगे वहां से, फिक्र मत मार। बस खत्म हो गया इनका इनका इस्माइली मजहब यही पे। किधर मुझे देखो मैडम, मेरी बात सुनो मैडम, मेरी बात मैडम, अभी एक सेकंड। अच्छा सलीम भाई आप तो चुप, सलीम अहमद जो हमारे भाई हैं, आप जरा 2 मिनट रुकिएगा, आपके ही इस्माइली भाई राजू या शाय हैं, वो कुछ बात करना चाहते हैं, इनकी बात सुन लेते हैं। जी राजू भाई जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, आप चाहते क्या हो, चाहते क्या, हमारे मलिक हाँ। भाई आपको जवाब देंगे। जी मलिक भाई जवाब दीजिए। जी मैं देखिए, हम ये चाहते हैं कि हमारे हम इस्माइली थे और हमारे इस्माइली भाई बहन हमारे भाई हैं, हमारी बहन है, आप हमारे भाई हैं, हम ये चाहते हैं कि आप अल्लाह के ताबे हो जाओ, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो और जन्नत में जाओ मेरे भाई। आप किसी आज का बंदा जो कुरान के खिलाफ चल रहा हो,
उसकी जिंदगी कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो, नबी की तालीम के खिलाफ हो, उसके पीछे ना चलो और ना अपनी जिंदगी दुनिया आखिरत की बर्बाद करो। हमें दर्द है, इसके लिए हम फिक्र कर रहे हैं। जी हो गई बात आपकी। जी बस यही हमारा और कुछ भी नहीं है भाई, हमको क्या आपसे 100 रुपए थोड़ी लेना है, हमको तो कुछ भी नहीं लेना। आपका नाम मलिक हो जाए जी, सही है, ठीक है। लगता है मुझे आप इंडियन लग रहे हो सबसे पहली बात। जी ठीक है जी, सबसे पहले हम मजहब फिरके ये चीजें छोड़ देंगे। सबसे पहले हम मुसलमान हैं, हमारा मजहब है इस्लाम, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात, ठीक है। बाकी ये मजहब जो भी है ये बनाए हैं अपने आप से, अपने खुद बनाए, ठीक है। मुझे अपना मजहब में रहने से तुम्हें कोई तकलीफ होता है? नहीं नहीं, हम तो चाहते हैं अल्लाह के फजल ने जो बनाया मजहब उस पर आ जाओ। अब मेरी बात सुनो ना, अल्लाह ने जो मजहब बनाया उस पर आ जाओ, हम ये चाहते हैं। मुझे आप बताओ ना, अपने बनाए हुए मजहब पर ना चलो भाई, अपने बनाए हुए मजहब पर नहीं जाएगा। आपके मजहब को अल्लाह ने बनाया है सिर्फ इस्लाम, हम इस्लाम की बात कर रहे हैं। इस्लाम रजी तो लकुम इस्लाम दीन, इस्लाम दीन से अल्लाह राजी। हमें पता है यार, हमें सब पता है यार, हम पढ़े लिखे, हम जाहिल नहीं, हम अनपढ़ नहीं है। माशाल्लाह मेरी बात, ठीक है। सबके साथ हम चलते फिरते बैठते हैं, हमें सब पता है। आप लोगों ने ठीका नहीं लिया है किसी के मजहब का, सही है। सबसे पहली बात ठीक है, आपने कोई ठीका नहीं लिया है। मेरी मजहब, मेरी दीन ईमान मेरे साथ है। कल भी मैं एक तबलीगी पार्टी के साथ मदनी मस्जिद कराची से गया था, ठीक है। बहुत अच्छा, मैं उसके साथ जो बात किया उसने मेरे साथ भी बात किया इस तरह, देखो ये वो। मैंने कहा सबसे पहले ये बताओ, हम मुसलमान नाम के रह गए कि नहीं रह गए कि नहीं गए? नाम के मुसलमान रह गए, कोई मुसलमान वाली हरकत किसी के पास नहीं है। मेरी बात सुनो, ये सब हम भी पढ़ते है, किताबें हम भी पढ़ते है, कुरान शरीफ हम भी पढ़ते है। किताब नहीं पढ़ने का, पांच वक्त की नमाज पढ़ने का है, किताब थोड़ी पढ़ने का है। पांच वक्त की नमाज हम भी पढ़ते है, रोजा रखने का है, हज करने का है, ज़कात देने का है। पांच उंगली एक जैसी नहीं होती है, ये बात गौर से सुनो, सही है। रोजा मैं भी लेकिन पांच उंगली में खून दौड़ता है। साल भर हम रोजा रखते हैं, आपको पता है? साल भर रोजा, हाँ। अच्छा, आपको तो नबी ने बताया वो करते हो? आज जुमे को भी मेरा रोजा है, आज जुमे को भी मेरा रोजा है, जुमे को भी मेरा रोजा है, आज जुमा है, मेरा रोजा है। बहुत अच्छा, माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। बहुत समझ में आ रहा है, कौन सा वाला जाहिरी है बात नहीं, जो भी हो मैं अपने लिए रखता हूँ, आपके लिए नहीं। If you don't mind, ये मेरी अखरत का जवाब देना मेरे को है, आपको आगे नहीं देना है, आपसे नहीं पूछेंगे। मैडम आप आइए, इसका जवाब दें। अच्छा राजू भाई, मुझे राजू भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह बरकातहू। मैं आपसे एक ही सवाल करूंगा जिसका जवाब आप मुझे यस या नो में देंगे, ठीक है? जी जी बोले, ठीक। लेकिन एक मिनट जी, सिर्फ यस नो भी नहीं होता है, अगर उसमें बात करनी है तो उसके बाद बात भी करना होता है, सिर्फ खाली यस नो से नहीं होता है, ठीक है, चलेगा। तो राजू भाई, जी आप मानते हैं दीन मुकम्मल हो गया, मानते हैं आप? जी बिल्कुल, मेरा दीन, मैं मुसलमान हूँ, इस्लाम मेरा दीन है, ईमान है, सब कुछ। अच्छा, है और बोलो। अच्छा, तो अल्लाह ने फरमाया कि मैंने दीन इस्लाम मुकम्मल कर दिया है, अब ये दीन इस्लाम में मुकम्मल करने के बाद इसमें कोई चेंजेस, कोई तब्दीली, कोई अमेंडमेंट्स, कोई हेरा फेरी नहीं होगी, और ये दीन इस्लाम ऐसा ही चलेगा जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेकर आए, हम तक पहुंचा कर गए। तो ये दीन में मुकम्मल होने के बाद जब इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता, नबी को भी इजाजत नहीं थी इस दीन में चेंजेस करने की, तो आपके हाजिर इमाम जो हैं आगा खान साहब, उन्होंने ये दीन में चेंजेस करके एक नया दीन क्यों लाए, ये इजाजत किसने दी उनको? आप मेरी बात अभी सुनो, आपकी बात कंप्लीट हो गई, हो गई ना आपकी बात कंप्लीट? जी बेशक, मेरी सुनो। देखो ये दीन ईमान इस्लाम कंप्लीट होने के बाद अल्लाह ने, आप सुनिए हो, आप शिया हो, आप देवबंदी हो, आप बोरी हो, कितना फिरके है दुनिया में, देखिए ये तो नहीं बनाया ना फिरके। देखिए 73 फिरके हैं, वो हुजूर ने फरमाया है, मैं बीर बात सुने, हुजूर ने फरमाया है कि मेरी उम्मत में 73 फिरके आएंगे, उसमें से एक फिरका जन्नती होगा,
और वो फिरका कौन सा होगा देखे, वो, देखे, वो भी हाँ, जो फिरका हाँ, जन्नती देखे, होगा देखे, वो कौन सा होगा वो भी बताया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो फिरका होगा जो कुरान पाक के अल्लाह के हुक्म जो कुरान पाक है उस पर चले और मेरे तरीके हाँ, नबी के तरीके पर चले वो इंशाल्लाह वो जन्नत फिरका के बाद नहीं वो इंसान ठीक है जो 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 अपने अच्छे अमाल वो करेगा वो जन्नती नीचे कब्र में जाके किसी ने नहीं देखा ये बात गलत नहीं है ना अच्छे अमल से इंसान के अल्लाह पे अल्लाह पाक को सब इक्वल है सबको म्यूट कर रही हूं एक सेकंड सबको म्यूट कर दिया एक एक करके बात करें दूसरे की जब बात सुनेंगे नहीं तो जवाब कैसे मिलेगा अभी नूरुल्लाह भाई सवाल आधा करते तो राजा भाई जो है वो फौरन ही शुरू जाते अपना टाइम मुकम्मल लीजिए सवाल पूरा कीजिए फौरन अपना माइक म्यूट कीजिए जवाब दे दें तो माइक म्यूट कर दें एक मिनट से ऊपर टाइम नहीं मिलेगा इसको फॉलो कीजिए वरना आपको कोई फायदा नहीं इतनी लंबी डिस्कशन करने का मैंने पहले पूछा है आपकी बात कंप्लीट हो गई फिर मैं बात करता हूँ मैं इस तरह नहीं अंदर घुसता हूँ सही है मैंने भाई से पहले पूछा है हाँ आपकी बात कंप्लीट हो गई कहा तो हाँ हो गई कहा कि नहीं भाई आप बताए उनका माइक म्यूट है आप अपनी बात पूरी करो हेलो बोले बोले ठीक है अब ये चीजें आप लोग छेड़ आप बीच में आके किसी मजहब के ऊपर क्यों छेड़ते हो आपको क्या हक है किसी ने दिया है सवाल हो गया किसी ने हक दिया है देखिए मैं अब कर रहा हूँ ना हो गया बस ओके रुकिए नूरुल्लाह भाई आप उनके मजहब को जाके क्यों छेड़ते हैं सवाल आपसे हुआ है हम छेड़ नहीं रही भाई जो हकीकत बयान हुई है कुरान में और जो नबी का तरीका है वो हम बयान कर रहे हैं हम आपको छेड़ नहीं रहे हैं हम आपको सिर्फ इतना बता रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है क्या सही रास्ता है क्या सिरात भाई मैं अपने लिए सही हूँ गलत नहीं है म्यूट कर दिया राजा को मैंने वो बात मुकम्मल नहीं हुई मैंने म्यूट कर दी ऐसे नहीं चलेगा मुरला भाई बात मुकम्मल कीजिए फिर मैं उनको म्यूट करूंगी जी तो क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कुरान में कि लोगों को जो है अच्छाई की तरफ बुलाओ और बुराई के लिए रोको बुराई की तरफ से रोको अल्लाह का हुक्म है कुरान में इसलिए हम आपको जो है दावत दे रहे हैं म्यूट कर लीजिएगा जी राजा भाई जवाब दीजिए अब देखिए ठीक है अल्लाह को मैं भी जानता हूँ अल्लाह को आप भी जानते हो ठीक है अल्लाह एक है सही है कि नहीं ठीक है आपको आपके आपके पास डायरेक्ट आके बोला है आप इनको सिखाओ बोला है बात सवाल पूरा मुकम्मल कर ले जवाब मिल जाएगा आपको मुकम्मल करें सवाल लेकिन सवाल मैं कह रहा हूँ खुदा रा ये गंदी चीजें मत फैलाओ किसी का पेज बना के इधर आके अगर आपके अंदर एबिलिटी है तो सामने आके फेस टू फेस बात करो तब पता चलेगा दूध का दूध पानी का पानी पीड़ पीछे बात नहीं करो सामने आ जाओ सामने आओ तब हम दिखाएंगे कुरान में किधर लिखा है राजा भाई ने सवाल किया कुरान में कहां लिखा है कि दूसरे के मजहब को जाके छेड़ो ये इनका सवाल था जवाब चाहिए मुझे यहाँ पे एक बड़ी अजीब बात हो रही है हमसे सलीम भाई आपका माइक बहुत शोर कर रहा है सत्रह बात कीजिए देखिए सवाल ये है कि हम आपको नहीं छेड़ रहे आप हम लोग हमारे मजहब को छेड़ रहे हैं ये बात जरा समझ लीजिए मुसलमान तब भी था जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ऐलान हुआ नबुवत हुई उसका प्रचार हुआ उसके बाद वही मुसलमान चलते आ रहे हैं आप लोगों को जुमा जुमा आठ दिन हुए हैं अभी आप लोगों का मजहब आया है तो मुसलमानों के मजहब को आप छेड़ रहे हो आप कहते हो कि नमाज नहीं है असल में दुआ है हज नहीं दीदार है जाहिरी रोजा नहीं बातनी रोजा है ये सारी चीजें तो आप लोग कर रहे हो तो छेड़ आप रहे हो हम नहीं छेड़े ये अपने दिमाग में बात बैठा लीजिए ये बात क्लियर कर दूं उसके बाद अगर कोई जवाब देना चाहता है राजा भाई मैडम एक मिनट मैं जवाब दे रहा हूँ आपको ठीक है हम आपके मजहब के साथ नहीं छेड़े आप जो क्या मजहब कोई भी मजहब से हो ठीक है हम ये नहीं कहते ठीक है आपको आपके साथ भी नहीं मुसलमान हम हज भी करते हैं हम सब कुछ करते हैं हमारे लिए सब अलाउ है ठीक है हम हज भी करते हैं हज भी करते हैं तेरे को पता है ना आप तेरे को आगे मैं दिखा के करूं मैं करता हूं आप जो दीदार करते हैं अगर आप उसको हज कहते हैं तो कुरान में उसका कोई जिक्र नहीं है आप अपना दीदार जो है वो साबित करो कुरान से ठीक है वो दीदार का इशू आप आपको इसमें आने की जरूरत ही नहीं वो मैं जानता हूं। नहीं है मेरा अकेदा मैं बताती हूँ क्यों जरूरी है क्योंकि आप कहते हो कि तुम लोग मुसलमान हकीकत तक नहीं पहुंचे आप माइक म्यूट नहीं करो आप माइक म्यूट नहीं करो बात को समझो पहले आप टोकते हो इसलिए मैं म्यूट करती हूँ आप नहीं बोला ठीक है अगर इतना इतना चले अब सुन लो
मैं अभी आपको बैक स्टेज इसलिए भेजा, आप बात नहीं सुनते। जब तक मेरी बात चल रही है आप बीच में नहीं टोकेंगे, अगर आप टोकेंगे तो मैं आपको माइक म्यूट करूंगी, अगर आप माइक म्यूट करने से भी नहीं रुकेंगे, बार बार अनम्यूट करेंगे, मैं आपको बैक स्टेज भेज दूंगी। ये तरीका होता है, मेरी बात मुकम्मल हो जाए फिर आ जाओ बात करने के लिए। अभी वो जा चुके हैं, सलीम भाई हमारे साथ अभी भी मौजूद है, सलीम अहमद साहब, तो अगर वो कुछ बात करना चाहे, हज जो है वो ये लोग अपने दीदार को हज कहते हैं। हाँ ठीक है मैडम, आप मुझे मौका दे दें, मैं आपसे कुछ सवाल करता हूँ। हाँ जी, पहली बात ये है कि देखो मुसलमानों से क्या सवाल करेंगे सलीम भाई। देखो मेरे, मैं जो है ना, आपके 10 क्वेश्चन है वो आप रोजाना रिपीट करती रहती है सुबह शाम, और वो उसको जना बुनियाद बना के इस्माइलियों के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा करती है। तो मेरा ख्याल में आपको अपने पेज पे, फेसबुक पेज पे जिधर भी डालना है वो सवालात आप डालें, और वो सवालात तकरीबन पिछले 200 सालों से पूछे जा रहे हैं, उनके जवाब भी हमारे पास मौजूद है। ठीक है, उनका पास जवाब तो नहीं, सवाल जवाब नहीं, क्योंकि ये मैथमेटिक्स नहीं है केवल एक सवाल का यही सही जवाब है। ठीक है, ये मजहब है, इसमें मजहब में इंटरप्रिटेशन होती, तशरीह होती है, और तशरीह भी जहन में रख लीजिएगा कि एक वक्त में फिक्स नहीं होता है, वक्त के साथ बदलता रहता है। ठीक है, हजरत मोहम्मद के दौर में कहां से पढ़ा आपने, ये कहां से पढ़ा आपने कि हर वक्त की इंटरप्रिटेशन अलग-अलग होगी, ये कहां से पढ़ा? मेरी बात सुने, हजरत मोहम्मद के दौर में गाड़ी नहीं थी, आज गाड़ी है। अब गाड़ी के ऊपर गाड़ी का इस्लाम से क्या ताल्लुक मेरे भाई, गाड़ी का इस्लाम से क्या ताल्लुक बोलाना है ना, जिसने गाड़ी का सीखा जलाया मैं गाड़ी में बैठूं या मैं पैदल चलूं, उससे मेरे मजहब पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मैं पैदल चल के भी मुसलमान रहूंगी, मैं गाड़ी में बैठ के भी मुसलमान रहूंगी। कैसी अजीब अजीब, माशाल्लाह आप पढ़े लिखे आदमी लगते हैं मुझे, और बड़ी उम्र की लग रहे, दलील ऐसी दे समझ आए, ये किस तरह की दलीलें दे रहे कि गाड़ी थी और गाड़ी नहीं थी, इस्लाम का क्या ताल्लुक गाड़ी से? आप जी सलीम भाई करने ही नहीं दे रही है तो फिर आप जवाब किस तरह से समझेंगे? देखो एक हफ्ता पहले आपको पता है कि लाल मस्जिद के जो मौलवी है इस्लामाबाद में, उसने एक सूफा को जलाया। डॉक्टर परवेज हूद भाई ने डॉन अखबार में, आप पाकिस्तानी है बेजाहिर है, उर्दू बोलती है, कराची की होंगी, डॉन अखबार भी पढ़ा करो, अच्छा अखबार है। परवेज हूद भाई ने एक पूरा आर्टिकल लिखा है इसके ऊपर कि जनाब सूफा क्यों जलाया गया, वो उसका दलील ये सोफा सोफा है ना, ये आप जैसे लोग है ना आपकी टाइप टाइप सोफा कह रहे हैं, ड्राइंग रूम में जो रखे आते हैं सोफे उसकी बात कर रहे हैं। जी 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 जी, उसको जलाया, आप जरा जाके देखें ना, जरा खबर देखें क्या हो गया। हाँ यही मैं समझा रहा हूँ, सुने, अल्लाह आपको बर्दाश्त सुनने की जनाब तौफीक दे। उसका लॉजिक ये, हाँ जी हाँ, लॉजिक ये था कि वो मौलवी का लॉजिक ये था कि हजरत मोहम्मद के दौर में सूफा मौजूद नहीं था, वो जमीन पे बैठते थे, लिहाजा सूफे के ऊपर बैठना हराम है, इसलिए लिहाजा हम सूफों को हम जलाते हैं। वो पागल किस्म का आदमी है, वो फतवा कहां है वो फतवा? उस बंदे ने फतवा दिया ना, वो बंदा हमारा इमाम थोड़ी है, वो जो मर्जी बोलता फिरे, जो मर्जी जलाता फिरे। हमारे जो इमाम है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी बात करो ना मेरे भाई, आप किसी का सोफा जला दिया तो उससे उसका जवाब मैं क्यों दूं, जलाया उसने, फतवा उसने दिया। देखो वो आपकी तरह का सोचने वाला, जो आप अपना आप मुसलमान समझती है ना, किसी का गुनाह मेरे सर तो नहीं डाल सकते ना मेरे भाई, ये तो एक बचकाना बात है कि गुनाह कोई करे जवाब में। लाल मस्जिद के मौलवी को आप नहीं मानती है, इसका मतलब फिर मैं कुरान को मानती हूँ, मुझे कुरान और हदीस से दलील दीजिए कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब सूरह हज जो है वो वही हुई और उसमें कहा कि तुम लोग अब जो है वो अपने नबी के साथ बैतुल हरम पर चले जाओ, तो आपने उसकी इंटरप्रिटेशन आगा खान क्यों कर दी, हाजिर इमाम क्यों कर दिया उसको? अब हम लोग मुसलमान बैतुल्ला जाते हैं, आप लोग अपने हाजिर इमाम को देखने चले जाते हैं, अब ये कैसी तागील हुई मेरे भाई? देखो तुमको, देखो तुमने अपना नाम इधर अलियाना रखा हुआ ना, हमारे साथ बातचीत करती है, यहाँ से निकल के तुम सिगरेट पीती हो, बार में जाके शराब पीती हो, बॉयफ्रेंड के साथ डांस करती हो, हमें क्या पता। ठीक है, और ना मुझे जो है इस बात का कोई दिलचस्पी है कि तुम अपनी जिंदगी में प्राइवेट लाइफ में क्या करती हो। मसला नहीं मेरे भाई, बात सुन लो, जब जब एक इंसान के पास दलील ना हो ना तो वो ज़ातियात पर आता है। आप मेरी ज़ातियात पर जितना मर्जी हमला कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसके साथ बात करते हैं। दीदार हज कैसे बन गया, मेरा सवाल यही है बस, मैं इससे हटूंगी नहीं। दीदार जो है वो हज कैसे हो सकता है?
ओ भाई देखो देखो, हज नहीं है वो, दीदार हज नहीं है, ठीक है, दीदार की एक अलग अहमियत है। तू पांच, वही मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें, 10-15 तुम्हारे सवाल हैं। अच्छा, आप क्या हज जो है वो फर्ज है ना, आप क्या हज फर्ज है कि नहीं है? हज बिल्कुल तमाम इस्लाम के बुनियादी उसूल हमारे ऊपर, इस्माइली के ऊपर तमाम। हाजिर इमाम ने किस सन में, हाजिर इमाम ने किस सन में हज करने गए वो जरा बता दीजिए फौरन। वो इन तमाम चीजों से, वो देखो खुदा के डिप्टी हैं वो, ठीक है, वो एक तरह से जरा खुदा के क्या है, खुदा के क्या है, खुदा के क्या है, वसी है, वसी, अच्छा। वसी डिप्टी है, डिप्टी का अच्छा, नहीं है उन पर हज फर्ज नहीं है वो, बिल्कुल वो जो है ना उन तमाम वो मासूमीन में है, वो तमाम चीजों से जनाब अली वो जो करते हैं। हजरत अली मासूम नहीं थे, हजरत अली मासूम नहीं थे, थे बिल्कुल वक्त के साथ तब्दील। उन्होंने हज क्यों किया, वो उस वक्त के मासूम थे, आगा खान इस वक्त का मासूम है। हाँ जी हाँ, अच्छा, यानी कि अली जो खुद जो नबी के दौर में मौजूद थे, जिनके लिए कहा गया मन कुंतुम मौला फहाजा अली उन मौला, वो हज करते हैं, लेकिन जो इतने साल के बाद एक अंग्रेज के घर में पैदा होता है वो मासूम हो जाता है और उस पर तमाम इबादतें माफ हो जाती हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये सही कहना चाह रहा हूँ। तुम होती कौन? अच्छा, हो यानी हाजिर इमाम जो लोग नोट कर लीजिए, इनके इमाम पर कोई भी इबादत जो है वो फर्ज नहीं, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी इबादत करते थे कि उनके पैरे मुबारक कदम मुबारक सूज जाते थे, और जब उनसे किसी ने सवाल किया कि आप तो बख्शे बख्शाए हैं, आप तो मासूम हैं, अल्लाह ने तो आप पर जो है वो दोज़ख हराम कर दी है, तो आपने फरमाया कि क्या मैं अल्लाह का शुक्र गुजार ना बनू? अब जो हमारे नबी की सुन्नत है, जो नबी ने तरीका किया, आपका इमाम इतना अफजल हो गया कि उसने नबी के भी इबादतों को जो है वो हकीर बना दिया कि जी नबी तो इबादत करेगा शुक्र गुजार बनेगा, लेकिन मेरा इमाम इतना अफजल हो गया कि वो शुक्र गुजारी भी नहीं करेगा अल्लाह की, ये कहना चाह रहे हो आप? देखो मेरा, तुम इतने सारे सवाल हमारे ऊपर बोझाट करती हो, हमारे कुछ सवाल का भी जवाब दो। सलीम भाई जी, हाँ सलीम भाई, आपने अभी कहा कि आपके हाजिर इमाम आगा खान साहब पर कोई भी इबादत फर्ज नहीं है, यही कहा ना आपने? आपने कहा बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसा कहा आपने। जब सिस्टर ने, मेरी बहन ने आपसे सवाल किया कि आपके हाजिर इमाम पर, आगा खान पर इबादत सारी जो है हज जकात रोजा रमजान के रोजे ये नमाज पांच वक्त की ये फर्ज है या नहीं है, तो आपने कहा नहीं बिल्कुल नहीं है, वो बख्शे बख्शाए हैं, आपने ऐसा कहा ना अभी थोड़ी देर पहले? जी जी बिल्कुल। हाँ तो मेरा अब ये सवाल ये है, मेरा सवाल अब ये है, तो क्यों फिर ये आले अली औलाद अली और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इस्तेमाल करके आपके हाजिर इमाम ये सारे हराम काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भाई? शराब बेच रहे हैं, सुअर का गोश्त बेच रहे हैं, सूद का कारोबार कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये सब? उनका नाम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं भाई? बत्ती गुल हो गई। शॉर्ट सर्किट हो गया भाई। इजलाल भाई आ चुके हैं, इजलाल अहमद भाई, और इनसे हमारी कई दफा डिस्कशन हो चुकी है, लेकिन लेट्स हमारे भाई क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम इजलाल भाई। तो मेरी बात सुने ना, तुम किधर उसके पीछे लग गई फिर? आप खामोश हो गए, मैं समझी आपकी। हाँ बोलिए बोलिए। मैं ये कह रहा था कि देखे ये मौर्खीन ने बाकायदा प्रूफ किया हुआ है, हिज हाइनेस जो इनकी जो फैमिली है, ये इनका डायरेक्ट ताल्लुक बनता है हजरत मोहम्मद फातिमा के थ्रू, हजरत फातिमा बीबी फातिमा के थ्रू हजरत मोहम्मद की औलाद है। जिस तरह से इधर जॉर्डन में पिछले हफ्ते में कोई मसला हुआ था ना, हाशिमी किंगडम ऑफ जॉर्डन, एक हाशिमी फैमिली वो हो गई और एक हमारे हाजिर इमाम की फैमिली हो गई, इस तरह से चंद फैमिली जो से बहुत सारे पाकिस्तान इंडिया के अंदर ये सिलसिला चलता रहता है, इसी तरह से ये हमारे हाजिर इमाम बाकायदा ये हिस्टोरिकली प्रूवन है, ठीक है, कोई उसको डिनाई नहीं कर सकता। अगर आपको किसी वजह से, देखो ना आप इस तरह से बैठ कर तो नहीं बात कर सकती है, आप तारीखी हकाइक के बुनियाद पे जो उस बुनियाद पर आप कुछ कहना होगा ना। नहीं सलीम भाई, सवाल ये कि ठीक है अगर अगर हम आपकी बात थोड़ी देर के लिए मान भी लें कि वो डिसेंडेंट हैं, वो आले अली हैं,
तो ये आप कहाँ से साबित करोगे कि आले अली को अब इबादत करने की जरूरत नहीं, अब उसको किसी किस्म की हज पे नमाज पढ़ने की, किसी किस्म की इबादत की जरूरत नहीं, ये कैसे साबित करोगे और कहाँ से करोगे? ये बिल्कुल, ये आपके सवाल का दूसरा हिस्सा है ना जिसकी तरफ मैं आ रहा था। पहले आपको ये मानना पड़ेगा, ठीक है, ये इस हकीकत को मानना पड़ेगा कि ये हजरत रसूल के आल आल है कि नहीं, ये बताओ पहले। उसके लिए हमें डीएनए रिपोर्ट चाहिए, क्या करें आप बताएं। एक 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 बात मेरी ये है सवाल कि आदम अलैहि सलाम का बेटा था काबिल, आदम अलैहि सलाम का बेटा था काबिल, उसने अपने सगे भाई का कत्ल किया हाबिल का, तो वो तो नबी का बेटा था, तो नबी की सगी औलाद थी, तो क्या उसके पीछे चल पड़े? नूह अलैहि सलाम का बेटा नाफरमान था तो उसके पीछे चल पड़े? तो अगर कोई नबी का बेटा है या कोई वली का बेटा है या आले अली है या औलाद नबी है तो क्या उसके पीछे हम चल पड़े? अगर वो अल्लाह का नाफरमानी करे, कुरान के खिलाफ जिंदगी गुजारे और नबी की तालीमात के खिलाफ जिंदगी गुजारे, तो क्या उसके पीछे चल पड़े हम? इतने बेवकूफ तो ना बनो मेरे भाई। सलीम भाई अभी मुझे नजर नहीं आ रहे पैनल पे, नहीं वो थोड़ा जा चुके हैं और मेरे ख्याल से दोबारा आ जाएंगे वो। हमें एक भाई कुरान एंड सुन्ना ने भी ज्वाइन किया हुआ है और इजलाल भाई ने भी ज्वाइन किया है। बड़ा शॉकिंग सा एक मतलब कन्फेशन ही कह सकते हैं, कहते हैं कि हमारे इमाम पर कोई भी इबादत अब फर्ज नहीं, इनके इमाम बख्शे बख्शाए हैं। इसके बारे में मुझे कमेंट्स चाहिए थे कि ये किस तरह का अकीदा है और कहां से साबित होगा। एक एक सवाल है मेरा, मेरी बहन जी भाई, ये जिनकी औलाद है ये आगा खान जो ये बोलते हैं, उनके ऊपर फर्ज थी इबादत? सही, जैसे नबी पे फर्ज थी, अली पे फर्ज थी, जितने भी अहले बैत थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे सब पे अल्लाह ने फर्ज कर दी थी इबादत, ठीक। और ये आगा खान को कब माफ हो गई और किसने माफ कर दी ये मुझे समझ नहीं आ रहा। करबला का वाकया किसी से छुपा हुआ नहीं है, सबको पता है। मौला हुसैन ने रजी अल्लाह ने सबसे पहले नमाज अदा की और फिर जो है वो बाकायदा जंग शुरू हुई। पहले दोनों तरफ के लोगों ने नमाजें, नमाज पहले फर्ज है, जो जहाद है कि हक और बातिल का फैसला होना था वो बाद में करेंगे, पहले अल्लाह का फर्ज अदा करें। तो जब तो असल आले अली हैं उनके तो ये तरीकेकार थे ना, ये उनके अमल थे। अब 1400 साल बाद उठ के कोई कहता है कि मेरा जो है वो सब कुछ माफ हो गया और मैं बख्शा बख्शाया हूँ। सलीम भाई आ चुके हैं, उनसे पूछ लेते हैं। इसके अलावा तो सलीम भाई के अलावा हमारे भाई कुरान एंड सुन्ना, उनका माइक अनम्यूट है। अस्सलाम वालेकुम भाई, शायद भाई बात नहीं करना चाहते, सलीम भाई को कॉल पे ले लेते हैं। हेलो जी सलीम भाई। हाँ, आप लोगों का मसला ये है कि आप एक साथ 500 सवाल आप करते हैं, ठीक है। एक सेशन रखो एक टॉपिक पे रखो, उससे जनाब आप सेटिस्फाई होकर दूसरे टॉपिक पे जाए। एक जनाब सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं, आप उसको छोड़ के कहे अटेंशन डाइवर्ट करवा के इधर चली जाती हैं। इस तरह से तो हम हजार साल इस तरह से देते हैं, हम कहे नतीजे पे नहीं पहुंच जाएंगे, ये कोई तरीकेकार नहीं है। एक टॉपिक रखो, उस पर जनाब बातचीत करें, सैर हासिल बातचीत करें। और मैंने तो भाई एक ही टॉपिक पे रही, मैं तो कोई टॉपिक डाइवर्ट नहीं किया, मेरा तो शुरू से यही था कि दीदार जो है वो हज कैसे हो गया। उसके बाद मैंने आपसे पूछा कि हाजिर इमाम से, जी मुझे बस एक चीज बता दीजिए कि हाजिर इमाम पर तमाम इबादतें माफ हो गई हैं, ये कहां से साबित करेंगे, इसका जवाब दे दीजिए प्लीज। देखो ना, इसका जवाब उसका जवाब इस तरह तो ना करें ना, एक टॉपिक रखें, दीदार आपने उठाया है, इसी का मैं जवाब देता हूँ। हाजिर इमाम पर इबादत कैसे माफ हो गई, सिर्फ इसका जवाब दे दीजिए और इसी को टॉपिक को लेके चलते हैं, ठीक है। अब कोई और टॉपिक नहीं आएगा, प्लीज सारे लोग जो हैं इसी टॉपिक पे रहें जब तक जवाब नहीं मिलता। सलीम भाई जवाब दीजिए। जी जी जी, ठीक है ठीक है। पहले आपने ये कहा, पहले आपको ये बात, ये आप मान रही है कि नहीं मान रही है कि ये हाजिर इमाम जो खान है ये आल रसूल है कि नहीं है, ये बताओ पहले। आपने कैसे मान लिया? आपके पास कोई सर्टिफिकेट, कोई डीएनए रिपोर्ट, कोई खुद आपने उनकी वलादत होते देखी उस घर में, कोई पैदा होते ही कोई नूर आ गया था उस मकान के अंदर? आप किस तरह साबित करेंगे उनका उनका आले अली होना, क्योंकि बहुत सारे लोग तो सैयद जात ऐसे भी घूम रहे हैं, करोड़ों लोग अपने आप को सैयद कहते हैं, तो हम क्या करेंगे जी? एग्जैक्टली
बिल्कुल सही सवाल किया आपने, और इसी को मैंने इसी तरफ मैंने थोड़ी देर पहले भी इशारा किया था कि पंजाब में तो दो नंबर लोग भी अपना आपको नाम के साथ शहीद लगाते हैं कि मैं शहीद हूँ, शहीद फरार बरार हुसैन से, इस तरह से बिल्कुल ऐसा होता है हमारे मुल्क में और हर जगह के अंदर ये मुस्लिम दुनिया में मामला। बिल्कुल आपकी बात सवाल जायज है और बजा है, इसका जवाब सुने ठीक है। आपने कहा कि क्या आपके पास कोई डीएनए सर्टिफिकेट मौजूद है, बिल्कुल नूर अल्लाह नूर, ये मसला वंस एंड फॉर ऑल हमेशा के लिए अगर हल हो जाएगा, अगर साइंस के अंदर कोई तहकीक करके डीएनए का कोई ऐसा सिस्टम हो जिसके जरिए हमें पता चल जाए कि आगा खान की ब्लड सैंपल लेके पता चलाया जाए कि वाकई इसका ये डीएनए उधर से मिलता है कि नहीं मिलता, लेकिन फिलहाल कोई ऐसी जनाब सर्टिफिक हमारे पास इस वक्त मुझे नहीं लगता है कि कोई 500 साल 1000 साल पहले की कोई एंसेस्ट्री को एस्टेब्लिश करती है ना, साइंटिफिक हमारे पास ग्राउंड किसी के पास मौजूद नहीं है। अमेरिका के अंदर भी शायद ये नहीं पता चलता है कि इस तरह से है ठीक है। अब देखें दुनिया में मुरविज जो तरीक़ाकार मौजूद है अपने इंसिस्ट्री को अपने तारीख को जनाब यानी कि इस्टेब्लिश करने का जो मुरविजा तरीका है जिसको हम सब मानते हैं, मुसलमान भी गैर मुसलमान भी यहूदी भी मुअर्रिखीन भी, जो अक़ल सलीम के तहकीकी बुनियाद पर मौजूद है ठीक है, उसकी तरफ हमें जाना पड़ेगा। हाँ ये बात सुने ठीक है, इसके लिए ये जो आपको हाँ ये सुने ना उसका तरीका ये है कि हमारे पास म्यूजियम्स के अंदर, दुनिया के म्यूजियम्स के अंदर, दुनिया के प्राइवेट कलेक्शंस के अंदर लोगों के पास तारीख की किताबें मौजूद हैं जो हाथ से लिखी गई थी उस जमाने में। इस वक्त आपके पास वो कुरान पाक मौजूद है तो आप किस तरह कह सकती हैं कि यही वही कुरान है? वो इस तरह से हमें पता चलता है ना कि जो इब्न इशहाक ने जो लिखा हुआ था हाथ से, इब्न इशहाक जो मशहूर है ठीक है, उसने जो मुख्तलिफ पत्तों पे लिख के एक जो सहीफा उसके पास प्रिजर्व थी, उसके कुछ आपको पता है कि उसके जो पेजेस हैं यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंगम में रखे गए हैं, दुनिया की महंगी तरीन कुरान और सबसे पुरानी तरीन कुरान में आप कहती हैं कि इंग्लिस्तान में बैठे हैं, आपको पता चल रहा है क्या? वो बता मैं समझा रहा हूँ भाई, अस्सलाम वालेकुम, मैं समझा रहा हूँ, नहीं नहीं क्या मतलब सुनना है तो सुनो, अस्सलाम वालेकुम, क्या नहीं देखते नहीं सौ बात की एक बात, सलीम भाई देखो आपकी बात सुनो, सलीम भाई, अगर मैंने जैसे आपकी आपकी जो बात थी ना कि आपने कहा कि वो आले अली है, इसलिए मैंने बहस नहीं की, मैंने क्या बोला आपको, अगर हम आपकी बात मान भी लेते हैं फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, ताकि टॉपिक भाई अगर पहले हटाओ, अरे यार सलीम भाई तुम सलीम भाई बीच में क्यों बोलते हैं यार तुम, एक वो बंद आप बात मेरा पॉइंट सुनने दे, सुन ले पहले, देखिए अगर हम मान भी ले, आपको प्रूफ करने के, अभी हम आपसे प्रूफ नहीं मांग रहे, प्रूफ करने पे हमारे पास सबूत है कि हाजिर इमाम जो है वो आले अली नहीं है, लेकिन मैं वो टॉपिक अभी नहीं बनाऊंगी क्योंकि वो 2 घंटे का है, तमाम लीनेज लेके आनी पड़ेगी, अला जिक्र सलाम पर तो तमाम आपका जो है वो नस्ल टूट जाती है, इस हजरत इस्माइल पर भी टूट जाती है, हजरत इस्माइल के पहले जो है वो डेथ हो गई थी अपने वालिद जाफर बिन सादिक से पहले, तो वो मैं डिस्कशन नहीं कर रही, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अगर हम मान भी ले थोड़ी देर के लिए भी, तो आप कैसे साबित करोगे कि हाजिर इमाम पर इबादतें माफ हो गई हैं, माफ हो गई, ये मैं पूछ रही हूँ। जी 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 बिल्कुल 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 ठीक है, आप पहली बात तो ये है ना बिल्कुल, ये जो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था और आपने बिल्कुल तो सही सवाल उठाए हैं, उसमें मैं आपके साथ मुकम्मल इतफाक करता हूँ कि जो लेडीज टूट गई है, इधर टूट गई, उधर टूट गई है, और सही बात है कि इस तरह के मामला जो है ना कोई एक फेसबुक पे जना 5 मिनट में डिस्कशन में नहीं हल होते, इसके लिए पूरा लेक्चर चाहिए है, पूरा जना डिस्कशन चाहिए ठीक है, लेकिन आप जो आप कह रही है ना कि नमाज और देगर जो चीजें किस तरह माफ हुई, इस सवाल के जवाब का ताल्लुक इसके साथ है, इस बात के साथ है कि वो आले अली है, आले आले रसूल है कि नहीं है, जब आप मानते हैं तो फिर इससे हमें एक जनाब डायरेक्शन मिल जाता है आपके सवाल के जवाब देने के लिए, अगर आप मानती ही नहीं है तो फिर इस सवाल का जवाब नहीं दिया जा सकता। पॉइंट रखती हूँ ठीक है सलीम भाई, आप बात मुकम्मल कर लें, मेरा इससे ये कनेक्शन बनेगा कि अगर तो हजरत अली को भी गुना जो है वो सारी इबादतें माफ होती तो उन्हीं का क्राइटेरिया चलता आता कि बाप को माफ था तो बेटे को भी माफ है, बाप की फ्री एंट्री है जन्नत में तो बेटे की भी होगी, लेकिन यहाँ पर मसला ये आ रहा है कि बाप ने तो इतनी इबादतें की कि उनका रोजा रख रख के नबी ने उनको रोका कि अली अपनी सेहत पर ख्याल कर,
खजूर नहीं होती थी तो कहते थे रोजा नहीं रख लिया, कहते मैं रखूंगा। तो बाप की इबादतें ऐसी थी कि जिसकी मिसाल नहीं मिलेगी, लेकिन आप कहते हैं कि वो बाप जो असल मौला था वो इबादतें करेगा लेकिन उसका बेटा नहीं करेगा। लेकिन आप पहले ही देखें, अगर आपके वाले साहब को पार्लियामेंट में फ्री एंट्री होती तो मैं कहती कि ठीक है, बाप को थी तो बेटे को भी होगी, चलो आप भी चले जाओ, फ्री एंट्री है। लेकिन आप कहते हो कि मेरे बाप को रोक के खड़ा किया जाता था कि तुम अपना एंट्री पास दिखाओ तो वो जाता था, लेकिन मैं चला जाऊंगा, तो ये कोई तुक नहीं बनती मेरे भाई। आप मुझे पहले ये साबित करोगे कि हजरत अली को भी हज माफ था, नमाजें माफ थी, रोजे माफ थे, फिर आगा खान को उसके साथ जोड़ के और माफ करवा लें जो करवाना है। यहाँ पे कोई बोल रहा है, उसकी आवाज बड़ी कट रही है। मोहम्मद अय्यूब का शायद माइक था। मोहम्मद अय्यूब साहब, आपका आवाज बहुत कट रही है। नहीं, मोहम्मद अय्यूब साहब, आपकी आवाज बहुत कट रही है, रोबोट की तरह आ रही है, उससे उस पे नहीं कुछ समझ आ रहा। बेटर कनेक्शन के साथ आ जाइए प्लीज। इजलाल भाई का माइक अनम्यूट हुआ है। जी इजलाल भाई, इनकी भी कट रही है, किसकी आवाज कट रही है? ये इजलाल भाई का ही माइक है मेरे ख्याल से। जी इजलाल भाई, आप अपना नेट सही करके आ जाइए। सलीम भाई अभी भी ज्वाइन है हमारे साथ, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे वो हैं, लेकिन अभी उन्होंने अपना माइक म्यूट किया हुआ है। जवाब मुझे चाहिए था सलीम भाई से ही। सलीम भाई किधर गए? अभी भी हैं। जवाब नहीं मिला मुझे अभी भी। जी सलीम भाई बोलिए। जी सलीम भाई बोलिए, आवाज आ रही है हमें आपकी। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी इजलाल भाई, आप बात कर रहे हैं? जी जी बात कर रहा हूँ। जी इजलाल भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सलीम भाई से मेरी बात हो सकती है क्या? सलीम भाई हैं अभी, लेकिन उनका माइक अनम्यूट है, बात कीजिए, सवाल कीजिए, सुन रहे हैं वो। अच्छा ठीक है, सही है। अच्छा पहली बात तो ये कि आप ब्रॉडकास्ट के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन लेती है ना, वो जरूरी नहीं है कि हर बंदा आपको ऑथेंटिक रिसोर्स से, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन से आपको जवाब दे और उसको आप बेस ना बनाएं किसी भी इंटरप्रिटेशन के लिए, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आई एम नॉट श्योर सलीम भाई का क्या बैकग्राउंड है और उनका क्या नॉलेज का लेवल है, मुझे नहीं पता। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ इनकी नॉलेज की, बट अगर आप रेफरेंस बना के सलीम भाई को या एक्स वाई ज़ेड इवन मेरी भी अगर आप रेफरेंस बना के आप कहेंगे जी दिस इज द आंसर दैट वी वर लुकिंग फॉर, तो ये गलत है, ठीक है। इवन आप भी, आप मुझे कोई इंटरप्रिटेशन देंगी अबाउट इस्लाम तो मैं आपको फॉलो नहीं करूंगा। आई विल गो टू कुरान एंड सुन्ना, आई विल नॉट गो टू यू, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। सेम गोस कि आपने कहा है कि जी सोफे वाली जब मिसाल उन्होंने दी कि जी सोफा जलाया, तो आपने कहा कि भाई मैं क्यों उनकी बात मानूं, मुझे तो अपनी इंटरप्रिटेशन देनी है, राइट? सही बात है। तो इसी बुनियाद पे, ठीक है, अगर आपने ये ग्रुप बनाया, नॉट श्योर कि क्यों ग्रुप आपने बनाया, पहली चीज आपने ग्रुप डिफेम करने के लिए बनाया है या प्रोपेगेंडा के लिए बनाया है? सॉरी आई एम नॉट क्वेश्चनिंग, आई एम एक्सप्लेनिंग, ठीक है, पहली चीज। और मैं इजलाल भाई आपने जो स्टार्टिंग किया ना वही आपने इसलिए गलत कर दी कि मैंने कभी इस पूरी डिस्कशन में एक दफा भी नहीं कहा कि सलीम भाई जो कह रहे हैं वही इस्माइली मजहब की तावील है, मैंने बोला ही नहीं है। मैं सलीम भाई से डिस्कशन चल कर रही हूँ और मैं उनके मुंह से सुन रही हूँ कि वो क्या समझते हैं इस्माइली मजहब को। मैंने एक दफा भी ये नहीं कहा कि दिस इज इस्माइली इंटरप्रिटेशन या ये जो कह रहे हैं ये वही है, नहीं, मैं सलीम भाई को कन्फर्म कर रही हूँ।
आपने प्लेटफॉर्म पे ये रखा ना, ये बेसिस आपने रखे कि नहीं 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 सलीम भाई के साथ हमारा डिस्कशन था ही नहीं ना, आप थोड़ा लेट आयो, हमारा पहले डिस्कशन चल रहा था करीम अब्दुल करीम से, अब्दुल करीम से डिस्कशन चला, वो उन्होंने रखवाया ये स्ट्रीम और वो आधे में चले गए, उसके बाद सलीम भाई ने हमें ज्वाइन किया। मेरा जो सवाल था वो यही था कि हाजिर इमाम हज क्यों नहीं करते, उन्होंने कहा कि उनको सब माफ है। अब आप भी इस्माइली हैं, वो भी इस्माइली हैं, अब आप दोनों पहले आपस में सेटल कर लो कि असल में इस्माइली मजहब क्या है, ताकि हमारी नॉलेज में भी इजाफा हो जाए, हम कुछ नहीं बोलते। आप सलीम भाई से बात कर लीजिए, वो ऑनलाइन है अभी। ठीक है, मुझे नहीं पता सलीम भाई कहाँ के रहने वाले हैं, उनका क्या प्रोफेशन है, वो ह्यूस्टन के हो, वो कश्मीर के हो, इट डजंट मैटर। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि आपने प्लेटफॉर्म के ऊपर जो चीजें रखी है ना, इन्फॉर्मेशन का जो रिसोर्स है ना, पहले आप वो आइडेंटिफाई करें, उनके बैकग्राउंड जरा देखें, उनका नॉलेज लेवल देखें, फिर आप उनको ना ब्रॉडकास्ट पे लेकर आए। अब इस पैनल नहीं, के ऐसे नहीं होता, नहीं ऐसे नहीं होता, देखो भाई हम उस पर ओपन लिंक देते हैं, हमने सबको पहले कोई प्री प्लान करके नहीं बिठाया होता कि तुमने मुझसे यही सवाल करना और मैं तुमसे ये जवाब, कोई भी आ सकता है। फिर आप गलत कर रही हैं, गलत कर रही क्यों, इसलिए गलत कर रही हैं क्योंकि हो सकता है कि मेरे जैसा कम इन्फॉर्मेशन या कम तालीम वाला कोई बंदा आए और वो गलत इंटरप्रिटेशन पूरी दुनिया को दे, तो क्या आप उसको बेस बनाएंगे? नहीं नहीं, तो बेस किसने बनाया? आप मुझे तो यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं इसमें से कह रहे कि सिस्टर मरियम कुछ कहना चाह रही थी। मरियम सिस्टर जी, मैं ये कह रही हूँ कि तो फिर ये इस्माइलिज्म में ये क्यों प्रॉब्लम है कि किसी के पास आंसर नहीं, मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं है, क्यों नहीं होती, होनी चाहिए ना, एक इस्माइली है, बिल्कुल होनी चाहिए। मरियम, मेरी अलीना से ना एक दफा बिल्कुल मेरे से एक घंटे की कोई कॉल चली है, मैंने उनको यही कहा था कि भाई देखे मैं एक स्माइली हूँ, ठीक है, मैं अपने तरीके पे चल रहा हूँ, बट एट द सेम टाइम मैं इस्लाम के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं मैं उनको फॉलो करता हूँ। तो फिर बीइंग अ मुस्लिम, आप भी और मैं भी, आपने तो सबसे पहले तो ये आइसोलेट कर दिया कि जी वी आर मुस्लिम्स, आप मुस्लिम्स नहीं है, ये अथॉरिटी तो आपको है ही नहीं, आपको किसने दी ये अथॉरिटी कि आप किसी को भी आप उठ के कहेंगे जी आप मुसलमान नहीं है? आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर एक बंदा, अभी आपको किसने कहा कि आप मुसलमान नहीं है? दैट इज व्हाट आप कमेंट सारे पढ़े, मैं बताती हूँ, मैं बताती हूँ, क्योंकि अभी आपने अपने जबान, इस्लाम भाई सुन लिया करो ना, आपका मसला पता है क्या, थोड़ा बीच में आप अटक वो भी करते हो, अभी आपने अपना इंट्रोडक्शन, आप तो सुन लो ना इस्लाम भाई, इस्लाम भाई अभी आपने अपने इंट्रोडक्शन में खुद ही कहा कि मैं इस्माइली हूँ, तो जब एक इंसान खुद को ये कह दे कि मैं इस्माइली हूँ, तो इस्माइली का जब कलमा पढ़ा जाता है तो वो कलमा इस्माइली हो ना, मुस्लिम वाली कौन सी चीज है आपके अंदर, ये बता। आ, ओके, मैं बता देता हूँ, आप बीइंग अ मुस्लिम आपके अंदर क्या चीज है, आप कुरान पढ़ती हैं, सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं शहादत पे, बेगम देखो ईमान है, आप मुझे जबरदस्ती अगर कहेंगे, अगर आप जबरदस्ती कहें, सलीम भाई आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल, ये देखो ना मैडम, देखो ठीक हो? बिल्कुल जनाब, बिल्कुल मैं ठीक ठाक हूँ। ये देखो इतनी जनाब ये बदबख्त औरत मुनाफिकत कर रही है। मैंने किसी को बदबख्त ना कहे, ठीक है, हर बंदे की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। सलीम अहमद भाई जबान हमारे पास भी है और आवाज हमारे पास भी है, ये भी ख्याल रखे आप। नहीं नहीं कोई बात नहीं है, मैं चाह रही थी, नहीं मैं चाह रही थी कि इजलाल भाई और सलीम भाई आपस में बात कर लें, देखो कोई डिस्टर्ब ना करे, इजलाल भाई और सलीम भाई आपस में बात कर लें, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि जो सलीम भाई बातें कर रहे हैं वो इजलाल भाई उसको ओन करते कि नहीं करता, कि कुछ इस्माइलिज्म का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सलीम भाई चुप कर जाओ ना, मेरे भाई चुप कर जाओ, इजलाल भाई से बात कर लो, इजलाल भाई आप बात कर लो। सलीम भाई देखें, यहाँ पे ना मैंने इनसे ये कहा है कि मुझे नहीं पता सलीम भाई आपका बेसिक प्रोफेशन क्या है या कहाँ से आप हैं, मैंने इनसे ये कहा कि जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं या मैं दे रहा हूँ, हो सकता है कि आप उतने नॉलेजेबल ना हो कि इनका जो सवाल है वो प्रॉपरली आप आंसर कर सके, इनको ये करना चाहिए कि इनको जमाती इदारे में जाके कोई एक आइडेंटिफाई करे रिसोर्स, उनके साथ बैठे और उसके बाद फिर आप जो है ना आप अपना मुकालमा पूरा करें। अगर आप
100 लोग बिठाएंगे, बात क्लियर भी नहीं हो पाएगी, मैसेज भी कन्वे नहीं होगा, फिर कोई भी किसी नतीजे पे पहुंच नहीं सकता। पहली चीज तो ये है। लेकिन अगर आपने फिर भी ये करना है तो फिर आप टाइम स्लॉट दें, 30 मिनट्स का दें, फिर आप 24 घंटे यही करते रहिएगा कि आप मुसलमान हो, मैं मुसलमान नहीं हूँ, आप गैर मुस्लिम हो, फिर आप यही करते रहेंगे। ये ग्रुप बनाने जाइए, आपके जमाती इदारों की किताबें हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें साफ लिखा है कि छांटा जो है वो हाजिर इमाम से दिलाते हैं, छांटा होता है हाजिर इमाम से गुनाहों की माफी। अब आपके इदारे ये किताबें छापते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, आप कहते हो कि आप जाके जमात पे जाओ, अब छांटे का आप क्या जवाब दोगे कि आप अपने हाजिर इमाम से गुनाहों की माफी नहीं मांगते क्या? अब इसके लिए मुझे क्या वेरिफिकेशन चाहिए जबकि मैं ऑलरेडी इस्माइली थी, आपके पास से गुजरे हम। बहुत खूबसूरत, देखें इजलाल भाई ने बहुत खूबसूरत बात की है, मुझे अगर आप बात करने का मौका दे दे एक मिनट सिर्फ, ठीक है। मसला ये है इस ग्रुप के अंदर ये है कि आप देखें ना, दीदारी और फिर इसके बाद इमाम को क्या ये नमाज वगैरह पढ़ना जायज है या नहीं है, मतलब वो इनसे मुबर्रा है कि नहीं है, ये कोई टॉपिक यहाँ पर रखा था, ठीक है। अब वो छोड़ के हम पता नहीं कहाँ से अभी कहाँ निकले, ठीक है। और इधर आपने 2-4 बदमाश आपके साइड पर रखे हुए हैं, वो धमकी देने के लिए बैठ जाते हैं जनाब अली कि हम आपको सर कलम कर देंगे। वो कल में कल परसों में देख रहा था वो अजीज मोरानी, एक बिचारा नहीं कर सकता तरह कर, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है। देखिए कोई ऐसी बातें मत करें, ये तो बहुत ही फजूल बातें आप लाके ना, तो अपने टॉपिक से हट रहे हैं। मेरा सिंपल सा सवाल है सलीम अहमद भाई, सिंपल सा सवाल है, हाजिर इमाम को इबादतें माफ हैं तो ये कुरान और हदीस से आप कैसे साबित करेंगे? अगर ये चीज है तो सलीम भाई मैं आपको 4 दफा बोल चुकी हूँ, इस चीज को साबित कर दीजिए। और अगर इजलाल भाई इस बात को एग्री करते हैं तो वो भी इस चीज को सबूत पे ले आए, या फिर ये मान लें कि सलीम भाई ने जो बातें की हैं हमारे इमाम के लिए कि उनको इबादतें माफ है, तो इजलाल भाई भी सपोर्ट कर दे सलीम भाई को। लेकिन प्लीज टॉपिक से मत हटिए। मैं क्यों आपकी बात या सलीम भाई को क्यों सपोर्ट करूं? आप कोई रिलायबल रिसोर्स थोड़ी है, मिस अलीना या मिस मरियम या मिस्टर अली। इजलाल भाई फिर आप 2 मिनट चुप करके बैठे, जरा सलीम भाई को साबित करने दीजिए कि हाजिर इमाम को इबादतें कैसे माफ है। सलीम भाई इबादत कैसे माफ है हाजिर इमाम को? हाँ बिल्कुल, बहुत मेहरबानी है, आपने मुझे मौका दे दिया। देखें मैंने अभी तक ये नहीं कहा था, इस नतीजे पे मैं नहीं पहुंचा था कि उनको इबादतें माफ है या नहीं है। पहले से ही आपने खुद अपने लिए नतीजा निकाला और अब मेरे ऊपर जो है ना मेरे मुंह में ये बातें आप डाल रही हैं। अच्छा चलो ठीक है, एक मिनट रुको मैं रिकॉर्डिंग चला देती हूँ। इन्होंने, आप लोग सब गवाह हैं, इन्होंने कहा था कि मेरे इमाम पर तमाम इबादतें माफ हैं, वो खुद जो है उनको मासूम है, ये सब जानते हैं। और ये वही रिकॉर्डिंग चल रही है और इतनी देर से यही बहस चल रही है कि आपने ये बात क्यों बोली कि आपके इमाम को जो है वो इबादतें माफ है। अब आप कह रहे मैंने ये बात बोली नहीं, तो झूठे के साथ क्या बात की जाए मुझे बताएं? आपको यहाँ से पकड़ेंगे, आप वहां से स्लिप हो जाएंगे। भाई बात करें सही तरह, ठोक बजा के जो आपका मजहब है, जो है वो बोलो, ये नहीं करो कि मैंने नहीं बोला। आपने बोला है, यहाँ पे कौन कौन गवाही देगा यहाँ बैठ के कि इन्होंने ये बात बोली कि मेरे इमाम को? मैंने सुना है, बोला है इन्होंने, कहा कि भाई हज जो है वो माफ है, तो इन्होंने कहा कि भाई हमारे इमाम जो है वो गवाही देंगे ना। सलीम भाई 4 गवाहियां मौसूल हो गई हैं। अब आपने कहा था मेरे इमाम को जो है वो इबादतें माफ है, अब बताइए कैसे माफ है? हाँ देखो, चार तुम्हारे जो इर्द गिर्द जो बैठे हुए हैं धमकी देने वाले जनाब, कल अजीज मुरानी को कह रहे थे पत्नी को, आपकी तरह का वो डरपोक नडर जनाब खुजा था, उसको आपने डरा के जनाब कहा कि मैं वो खोजा ही नहीं था। जब आपको पता ही नहीं तो आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो खोजा ही नहीं था, वो तो एथियस था, मुलहिद था, वो इस्माइली से जो, हाँ वो इस्माइली से मुलहिद हो गया, वो तो बैठ के नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है, आप उसको सपोर्ट कर रहे हो। कैसे कैसे आदमी आ जाते हैं यहाँ पे? अजीज मुरानी एथियस्ट है, वो गालिब कमाल को सपोर्ट करता है कि नबी की शान में गुस्ताखी करो, पैसे देता है, उसने आके कॉल पे एडमिट किया। उसको छोड़ो, अजीज की बात नहीं करो, आप अपनी बात करो, हाजिर इमाम को कैसे इबादत माफ हो गई है? देखो मैं इस बल्कि इनको भी चाहिए कि ये भी उससे कहे कि किस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी कर सकता है वो बंदा, इन्होंने भी बोलना चाहिए। नहीं ये कहाँ से बोलेंगे, तो सपोर्ट कर रहे हैं उनको। इनका इस्माइलियों का लेना देना क्या है नबी से, कुरान से, इस्लाम से, कोई लेना भाई नहीं, ये तो नहीं भाई, ये तो मुसलमान है कह रहे ना,
तो बोलते हैं ना कि हम लेबल लगाते हैं ना हमारा। अब हमारी बात तो आप सुनते ही नहीं हो, खुद ही जो है ना कुत्तों की तरह भौंक रहे हो। झूठे की बात क्या सुने, झूठे आदमी की बात क्या सुने बताओ। सबसे बड़े झूठे तो तुम लोग हो, ठीक है। सबसे भाई सुनो ना, भाई सुनो ना, सिस्टर पूछ रहे हैं तो आप जवाब दे दीजिए ना, बात खत्म हो जाएगी, आप जवाब दे दीजिए ना। वालेकुम सलाम, आवाज आ रही है मेरी? जी भाई आ रही है, बोलिए। अच्छा, तो मैं काफी देर से जो है ना ये सुन रहा हूँ बहस, तो बड़ी अच्छी बातें भी हो रही हैं, लेकिन मेरा जो है ना एक बेसिक एक क्वेश्चन है आप लोगों से। यहाँ पे बैठी हैं एलिना अली, पहले आप अपना तारुफ करवाइएगा मेरे भाई, अयूब भाई जी, अपना अपना मजहब बताइएगा, मुसलमान है कि इस्माइली है? आप फिलहाल छोड़े, मैं मुसलमान हूँ बिल्कुल नहीं। देखिए हमारा रूल है, हम लोग जो है ना वो तभी सवाल का जवाब देते जब हमें आगे वाले का पता हो। आप अपना प्लीज काइंडली बता दीजिए आप। जी मैं मुसलमान हूँ, मोहम्मद अयूब बात कर रहा हूँ और मैं कराची से बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा आप इस्माइली नहीं है, क्लियर कर दीजिए एक दफा। इस्माइली हूँ मैं कह रहा हूँ आपको। अच्छा आप इस्माइली, ठीक है, कंटिन्यू कीजिए अपना सवाल। जी बिल्कुल, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके पेज पे जो है ना आप मुनाफिकत की भी बात कर रही हैं, आप सच्चाई ईमानदारी की भी बात कर रही हैं, लेकिन जो आपने एक पेज बनाया है नूर मौलाना शाह करीम अल हुसैनी हाजिर इमाम के नाम से, और आप लोगों को धोखा दे रही हैं, और जो है ना एक सिंपल एक टैक्टिक के तौर पे जिसको मार्केटिंग में डिसेप्टिव मार्केटिंग भी कहते हैं या इसको डिसेप्शन भी कहते हैं, धोखा देना, तो इस नाम से आपने एक पेज रखा है। चलो फिलहाल ये जो भी है इमाम है, इंसान है, काफिर है, सवाल पेज पे ही सवाल कीजिए ताकि उसको पहले जवाब दे दूं। जी जी मेरा क्वेश्चन है बिल्कुल अभी खत्म नहीं हुआ, तो इन्हीं के नाम से आपने पेज बनाया है, एक इंसान है ये, और उन्हीं के खिलाफ आप बात कर रहे हैं, क्या ये ईमानदारी है? मुझे इसका आंसर देने पहले जी बहुत शुक्रिया। क्या ये सच्चाई है कि आपने एक बंदे का नाम पे जो है ना पेज बनाया है और उसी के खिलाफ जो है ना उसके अंदर आप बात कर रहे हैं? क्या आप मुसलमान हैं? आप सच बात कर सकती हैं? आप जस्टिफाई कर सकती हैं? चलें इसका आंसर दे दें, मेरे क्वेश्चन जोर भी हैं। जी क्लियर हो आपका, अच्छा है, आपके और भी क्वेश्चन है, वेरी गुड, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये कि हमने सबसे पहले जो हमारा पेज था हमने बनाया था अंडरस्टैंडिंग इस्माइलिज्म के नाम से, और वहां पर हार्डली अभी तक खाली 12,000 लोग ही आए और उसमें मोस्टली मुसलमान ही थे। अब इसी पेज पर हमारा एक पेज लिंक है मोस्ट मर्सीफुल के नाम से, लेकिन वहां पे खाली 3,000 है और वो भी सिर्फ मुसलमान है, इस्माइली नहीं आते। अब अगर हमें अपनी बात इस्माइली हजरात तक पहुंचानी है तो हमने उनको नूर मौलाना शाह करीम अल हुसैनी जब लिखा तो वो लोग 50,000 के करीब इस पेज पे आ गया। हमारा इंटेंशन कोई नूर मौलाना के साथ हमने गलत नाम नहीं लगाया, ना हमने अपना वहां पे डिस्क्रिप्शन में ये ऐड किया है कि यहाँ हम इस्माइलिज्म सिखाएंगे, नहीं, हमारा डिस्क्रिप्शन वहां पे क्लियर लिखा है कि अवर मिशन इज टू गाइड द इस्माइली जमा टू द राइट पाथ व्हिच इज द दीन इस्लाम, ठीक है, आप देख लो डिस्क्रिप्शन जाकर, अगर कोई डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ता तो वो उनका फॉल्ट है। सेकेंडली, जब हाजिर इमाम इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके, अली का नाम इस्तेमाल करके, अहले बैत का इस्तेमाल करके उनको गलत दीन की तरफ गाइड कर सकते हैं, तो क्या हम उनका नाम इस्तेमाल करके इस्माइलियों को अल्लाह के मजहब के लिए नहीं बुला सकते? क्या हम उनका मैसेज नहीं दे सकते? जब वो इस्लाम नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या हम हाजिर इमाम के नाम का सही इस्तेमाल नहीं कर सकते? ये सवाल पूछूंगी। दूसरा ये कि आपके इमाम का नाम कॉपीराइटेड नहीं है, मौलाना भी कॉमन चीज है, नूर भी कॉमन चीज है, और शाह करीम तो आगा खान साहब ने भी, अगर आगा खान साहब अहले बैत और इस्लाम का नाम लेके लोगों को गुमराह कर सकते हैं। जी आवाज आ रही है, एक मिनट भाई, हेलो, अगर आगा खान जो है ना, आगा खान इस्लाम और कुरान और अहले बैत का नाम लेकर जो है ना लोगों को गुमराह कर सकते हैं, तो हम क्या उनका नाम इस्तेमाल करके लोगों को सही रास्ते पे नहीं ला सकते? सही नहीं, खैर फिलहाल ये छोड़े, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप एक काम जो कर रही हैं या कर रहे हैं वो ये एक ईमानदारी है इसमें कि आप किसी को धोखा दे के, चाहे वो काफिर हो फिलहाल, चाहे कोई आपका दुश्मन हो, जो भी हो, आप उसको बेवकूफ बना के जो है ना, बेवकूफ कहाँ बनाया, पहले तो आप ये साबित करेंगे कि मैंने बेवकूफ बनाया हो और मैंने लिखा हो कि दिस नूर मौलाना, लिसन 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 लिसन, मैंने कहीं नहीं डिस्क्रिप्शन में लिखा
कि नूर मौलाना शाह करीम अल हुसैनी जो है वो इस्माइलियों के लिए बनाया गया है, जहां पे सिर्फ इस्माइलिज्म सिखाया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में स्क्रीन पे शो कर देती हूँ, वहां पर क्लियरली मेंशन है कि हमारा मिशन ये है कि हम इस्माइली जमात को इस्लाम की तरफ गाइड करें। दोबारा से डिस्क्रिप्शन आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा देती हूँ। गाइड गलत गलत तब होती जब मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ और लिखती और उनको अंदर बुलाते और फिर उसके बाद हम उनके सामने एंटी इस्माइलिज्म वाली बातें करते। डिस्क्रिप्शन पे क्लियर है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो ये आपका फॉल्ट। मैं समझ गया, ठीक हो गया। अब इस जो है सिंपल एक क्वेश्चन पे जो है सेकंड क्वेश्चन पे जाइए। जी जी बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से जो है ना, मैं जिस नजरिए से देख रहा हूँ वो ये है कि आप ये जो काम कर रहे हैं, जिस तरह आपने पेज रखा है, इसका नाम इस तरह रखना गलत बात है। आपको जिस तरह भी काम करना चाहिए, आपने किसी को जो है ना समझाना है कुछ दीन का, इस्लाम का, किसी भी तरीके से कुछ भी चीज सिखानी है, आपको खुद पहले एक अच्छा एक काम कीजिएगा। आपको कितना अर्सा हुआ इस पेज पे? आपको कितना अर्सा हुआ इस पेज पे? मैंने ही इसी तरह ही देख लिया था नूर मौलाना शाह करीम अल हुसैनी। कितना अर्सा हो गया आपको ज्वाइन किए? आपने तो उसका जवाब दे दिया ना, अभी आगे वही जवाब पे थोड़ी सवाल। मैं इनको इनकी आंखें भी खोल देते ना। आपको कितना अर्सा हो गया मोहम्मद अय्यूब भाई नूर मौलाना? अब आपको पता है कि टॉप पेज के टॉप पर एक और ग्रुप लिंक है द मोस्ट मर्सीफुल के नाम से, और अभी मैं वो चेक कर रही हूँ, आपने वो ज्वाइन नहीं किया। आपने क्यों ज्वाइन किया? क्योंकि आपने अपने इमाम का नाम देखा, इसलिए आप 2 महीने से इस पेज पर है। इवन दो आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या बातें हो रही है, मोस्ट मर्सीफुल अल्लाह इन ब्रैकेट्स लिखा हुआ है, इन अल्लाह द मोस्ट मर्सीफुल ब्रैकेट्स में अल्लाह, आपने वो ज्वाइन नहीं किया। ठीक हो गया, ठीक हो गया। मुझे मैं इसको कैसे पढ़ के लिख किया, लाइक किया और मैं जो है ना इस बेस में आ गया। मैं समझ सकता हूँ। सेकंड क्वेश्चन प्लीज। जी बिल्कुल। फॉर इंस्टेंस जो है ना, कुछ टाइम के लिए जो है ना, मैं इस्माइली नहीं हूँ, मैं एक मुसलमान हूँ। ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक कुछ मोमेंट के लिए तो फॉर एग्जाम्पल आप खुद को मुसलमान बोल रहे हैं? नहीं 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 नहीं, कंसीडर थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ मैं इस्माइली नहीं हूँ, मैं मुसलमान हूँ। अच्छा ठीक है, इनका कहने का मतलब है फर्ज कर लो कि मैं मुसलमान हूँ। करना सपोजिशन कहते हैं, ठीक है ना, अगर आपको आइडिया नहीं इस चीज का, सपोज करना। लेकिन भाई मेरे फर्जी बातों पर वैसे मसले हल नहीं होते। आप बोलिए। नहीं नहीं जी जी ठीक है। क्या अल्लाह हमसे नाराज है जिस वजह से जो है ना आज हम सबसे पीछे हैं, करप्शन में हम सबसे आगे हैं, धोखा सबसे ज्यादा हम मुसलमान देते हैं, ठीक है ना, गलत काम जो भी सारे हरकतें हैं, सबसे ज्यादा बुराई हमारे अंदर है, क्यों ऐसा है? आज एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना, इसका आंसर दीजिएगा। हम कुरान भी पढ़ते हैं, हम हज भी करते हैं, हम जो है ना अच्छाई की बातें भी करते हैं, तमाम चीजें हैं, लेकिन आज इस वक्त जो है ना हेल्थ फैसिलिटीज में जो है ना पाकिस्तान में कहीं भी देखें, जो गवर्नमेंट के जो हेल्थ जो फैसिलिटीज हैं, एजुकेशन में देखें, दूसरे कंट्रीज जहाँ पे काफिर रहते हैं, जिस तरह अमेरिका हो गया, लंदन हो गया और कनाडा वगैरह जहाँ पे काफिर रहते हैं, वो हमसे आगे क्यों हैं? हम पीछे क्यों हैं? इसका आंसर मुझे दीजिएगा। जी मैं दूं जवाब या कोई और देना चाहे जवाब? वैसे मैं तो यही बोलूंगा कि ये एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है, इसका कोई मजहब से ताल्लुक नहीं, बाकी आप जवाब दो। नहीं है ये मेरा, बिल्कुल बता देती हूँ। इंसान है हम और शायद हो सकता है हम अल्लाह कुरान अगर आपने पढ़ा हो मोहम्मद, लेकिन नाराज है अल्लाह हमसे क्यों पता नहीं, नाराज नहीं है, नाराज नहीं है, हम करप्शन भी करते हैं। जी जी गलत, आपने गलत इंटरप्रिटेशन ले रहे हो, गलत ट्रांसलेशन। कुरान की आयत है, अल्लाह पाक कहते हैं मैं अपने बंदों को आजमाऊंगा उनकी जान से, माल से, औलाद से, उनको तकलीफें देके और फिर वो शुक्र गुजारी करेंगे तो वो अजर पाएंगे। कुरान की आयत है। अब अल्लाह हमें दुनिया में भेजता है आजमाइश के लिए, हमारे टेस्ट लेते हैं, हमें डिफरेंट तरीकों से, हमारी हर तरीके से फोक बजाकर जो है वो अल्लाह हमारी परख करते हैं, ताकि वो अपने जो जो ऊपर फरिश्ते हैं ना उनको बताएं कि ये देखो ये मेरा बंदा शुक्र गुजार है। शैतान को कहते हैं तूने कहा था ये नाशुकरी करेंगे, देख कितना शुक्र गुजार है। एक तो वजह ये है, दूसरी वजह ये है कि क्यों काफिर खुशहाल है और मुसलमान अभी तक तकलीफ में। वजह यह कि अल्लाह ने कहा है कि मैं काफिरों का कोई भी जो उनके अमाल है उसको अपने ऊपर अमानत नहीं रखूंगा, मैं उनको सिला उसको दुनिया में दूंगा, क्योंकि आखिरत में तो उनके लिए दोजख है। अल्लाह वहां पर उनके अच्छे अमाल का सिला, जो वो अभी अच्छाई तो करते ही है ना, नेक नियती सब कुछ उनके अंदर है तो सही, अब उसका अजर कहाँ पाएंगे? तो दुनिया में अल्लाह ने उनको खुली छूट दे दी है, ये लो ये भी तेरा सिला, ये भी तेरा सिला,
دنیا میں دے دیا, خوشحال کر دیا, سب کچھ دے دیا, آخرت میں کیا اللہ کو نہ ماننے کی وجہ سے دوزخ ملے گی. ہم مسلمانوں کو ذرا سی غلطی پر اللہ کھینچ دیتا ہے کہ تیرے اعمال کا جو تجھے سزا ہے نا وہ دنیا میں دے دوں تاکہ تو پاک ہو جائے, تاکہ میں تجھے جنت میں سیدھا بھیج دوں. تو ہماری سختی اسی لیے ہے کہ ہم دنیا میں ہی صلہ دے رہے ہیں, اور اللہ کافروں کو ان کی نیک نیتی نیک اعمال کا صلہ اس دنیا میں دے کے انہیں خوشحال کر رہے ہیں. پر آپ لوگوں کے آگے صرف خوشحالی نظر آ رہی ہے آپ کو. یہ جو دنیا میں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کوالٹی آف لائف, آپ کے امام کہتے ہیں کوالٹی آف لائف بڑھاؤ, کوالٹی آف لائف بڑھاؤ, ہمارے نبی نے تو کہا ہے کہ دنیا جو ہے وہ ایک سرایا ہے, ایک تم خانہ بدوش ہو, تم اس طرح جاؤ گی جیسے تم نے یہاں پر ایک آدھا دن گزارا, دو دن گزارے, ایک آدھی رات گزاری. ہم اس کے لیے اتنی تیاریاں کر رہے ہیں, اس کے لیے اتنا فوکس کر رہے ہیں, ایجوکیشن یہ اور وہ, ٹھیک ہے, بیٹر کوالٹی آف لائف ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے, لیکن دنیا میں جتنا عرصہ ہے اچھے سے گزارو. لیکن کافروں کی خوشحالی دیکھ کے اپنے اوپر گمان کرنا کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے, یہ آپ نے کہاں سے سیکھا؟ یہ تو قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ اللہ ناراض ہوگا تو تمہیں سختیوں میں ڈال دے گا. اللہ تو کہتا ہے میں اپنے نیک بندوں کو, صالح کو, ایوب کو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, تمام انبیاء کو اللہ نے اتنا سخت پرکھا جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو کیا وہ اللہ ان پر غضبناک تھا؟ بالکل نہیں, یہ آپ کی سوچ ہے. بہرحال یہ جو آپ نے انسر دیا میرے نزدیک اتنا بھاری نہیں تھا, میرے پاس اس کا قرآن سے دیا. آپ کو قرآن بھاری نہیں لگتا نا؟ آپ کو یہی میں بولتی ہوں, نہیں اگر میں یہی امام کے فرمان کے طریقے سے بولتی تو آپ کو سمجھ آتا, قرآن سمجھ نہیں آئے گا آپ کو. ٹھیک ہو گیا, آپ یہ بھی سمجھتی ہیں کہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا, آپ سمجھ سکتی ہیں, دیٹس فائن, آئی ایم اوکے وِد دیٹ. آپ سنیں میری بات. اب دیکھیں, آپ نے کہا کہ نہیں اس وجہ سے یہ ہے, اس وجہ سے یہ ہے, لیکن فی الحال کے لیے جو ہے نا ہم دنیا میں ہیں, اور میں نے ذاتی طور پہ پاکستان میں, میں جہاں کہیں بھی میں گھوما ہوں یا کہیں پہ گیا ہوں, ہر مومنٹ پہ جو ہے نا کہیں نہ کہیں سے مجھے کسی مسلمان بھائی سے, جس کو میں مسلمان بھائی سمجھتا ہوں, مجھے دھوکہ ملا ہے. تو شاید وہ شاید قیامت کے لیے کہیں اور کسی اور دنیا میں وہ اچھائی کرنے کے لیے ادھر مجھے دھوکہ دے رہے ہیں شاید, یا کس وجہ سے مجھے دھوکہ دے رہے ہیں پتہ نہیں. میں کسی کو 100 روپے دیتا ہوں, اس نے مجھے 80 روپے, مجھے 80 روپے رکھ کے 20 روپے واپس دینے ہیں, تو وہ بھی لے کے بھاگ جاتا ہے. وہ شاید کہہ رہا ہے کہ قیامت میں 20 روپے دے دوں گا اس کو, چھوڑو, تو اب ادھر حساب ہونے والا ہے. چلے, آپ لوگوں کے رویے کی وجہ سے اپنے خدا کو چھوڑ دو گے؟ لوگ آپ کے ساتھ برا کرتے اس لیے آپ اسلام چھوڑ دو گے؟ آپ کے ساتھ لوگ دھوکہ دہی کرتے ہیں, آپ اس وجہ سے نماز چھوڑ دو گے, آپ حج چھوڑ دو گے, آپ روزے نہیں رکھو گے, آپ ایسے انسان کو فالو کرو گے جو خود بھی اللہ کے حکم کو فالو نہیں کرتا؟ تو یہ تو آپ بہانہ بنا رہے ہو لوگوں کے کندھے پہ بندوق رکھ کے کہ میں اس وجہ سے نہیں کرتا. اب ہم باہر ملک بیٹھے ہیں, ہر دوسرا تیسرا کافر ہمیں دھوکہ دے رہا ہوتا ہے, تو کیا ہم اس وجہ سے یہ بول دیں کہ سارے کافر ایک جیسے نہیں؟ کچھ ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں, لیکن ایک انسان کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ, میجورٹی کی بات ہو رہی ہے. اور جہاں تک میجورٹی سارے مسلمان, بات سن لیجیے, سارے مسلمان شراب پی لیں, سارے مسلمان نعوذ باللہ زنا کریں, سارے مسلمان جو مرضی کریں, اسلام کو چھوڑنے کا وہ کبھی بہانہ نہیں بن سکتا. ایک مسلمان بھی اچھا ہے نا تو وہ اپنے لیے اچھا ہے, اسلام کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اللہ کی ذات کو نہیں فرق پڑتا. سارے کافر ہو جائے تب بھی اللہ کو فرق نہیں پڑتا, سارے مسلمان ہو جائے تب بھی فرق نہیں پڑتا. میجورٹی کی آپ بات کرتے ہو, میجورٹی میں آپ کو کافروں کی بتاؤں جو ایسے ایسے گناہ کرتے ہیں جس کا ہم مسلمان سوچ بھی نہیں سکتے, لیکن آپ کافروں کو اچھا کہہ رہے ہیں. مسلمانوں کی میجورٹی کو آپ نے ایک لائن میں کھڑا کر دیا, لیکن بھلے کھڑا کرو, ایک ایک مولوی, ایک ایک مسلمان کی آپ بات لے کے آؤ, تب بھی آپ کے پاس وجہ نہیں ہے اسماعیلزم ایکسیپٹ کرنے کی اور اسلام چھوڑنے کی. سالڈ پروف لے کے آئیے. میں نے پہلے بھی اسی لیے کہا, سپوز کریں کہ میں ایز اے مسلم میں بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, میں نے اندر کسی سیکٹ میں جو ہے نا اسپیسیفکلی میں اندر نہیں گیا ہوں, تو چلیں خیر اس کو چھوڑیں, لیکن میں ایکچوئل میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ مذہب اور جتنے بھی چیزیں ہیں, مذہب ہو گیا یا کوئی سوشلی کوئی کانسیپٹ جو ہے نا سوسائٹی کے بارے میں بنتا ہے, یہ تمام چیزیں سوسائٹی کی بہتری کے لیے ہوتی ہیں. اور یہاں پہ پاکستان میں نے اکثر دیکھا ہے, یہاں پہ جو ہے نا ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں, سچائی کی بھی بات کرتے ہیں, 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں, لیکن سب سے زیادہ میں پریشان ہوں, یعنی میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ اس کا حل کیا ہے. پتہ نہیں
छोटे छोटे बच्चों के साथ जो है ना, या 14 साल 12 साल लड़कियों के साथ रेप होता है। इधर कभी मैं सुनता हूँ कि कोई किसी जज ने उसको इंसाफ नहीं दिया, पता नहीं वो हाई कोर्ट की किसी छत से वो हमारे सोसाइटी में क्यों कोई इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं हो रही है? हमारी ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारी सोसाइटीज हैं। अल्लाह नाराज है हमसे, मुझे ये लग रहा है। और मैं सोच रहा हूँ किस तरह अल्लाह को राजी करूँ और मेरी जिंदगी में बेहतरी कैसे हो। मैं आपसे सीखने आया हूँ, तो आप नहीं मुझसे मत सीखे, अस्तगफुरुल्लाह। हम सिखाने के लिए नहीं बैठे। कुरान है, मस्जिद है, उलमा कराम है, वो आपको सिखाएंगे। मैं ये चाहता हूँ कि ये यहाँ पे जो रेप का जो है ना जो रेट है वो कम, धोखा ना दे इंसान जो है ना, कहीं किसी गवर्नमेंट के जो है ना ऑफिस में मैं जाऊं, कोर्ट जाऊं या किसी पुलिस के पास थाने में जो है ना कोई मैं अपना मसला लेके, तो वो मुझे गरीब जो है ना एक निचला किस्म का इंसान समझ के मुझे वहीं से ही वापस ना करे, वो मेरे लिए कम करे, क्योंकि उसका वो काम है स्टेट में जो है ना, उसने हमारे टैक्सेस से वो जो है ना वो पैसे। आप जो है ना दो चीजें मिक्स कर रहे हैं, इस्लाम को एक्सेप्ट करेंगे ना, मैं बताती हूँ आप इस इस्लाम एक्सेप्ट करें, इस्लाम का जो लॉ होता है शरिया लॉ, उसको एक्सेप्ट करें, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप भरपूर कोशिश करें। शरिया लॉ साफ है कि अगर कोई किसी बच्चे के साथ जिना करता है, किसी औरत के साथ करता है, इवन पकड़ा भी जाए करते हुए, तो उसको उसी वक्त ही संसार कर दो। अगर वो शादीशुदा है तो उसको मार दो, अगर वो बगैर शादी उसको 100-100 कोड़े मारो। तो इस्लाम तो बहुत सख्त है, चोरी है तो हाथ काट दो, अगर कोई रिश्वत मांगता है तो उसको उसी वक्त ही जो है वो जेल करवा दो। लेकिन मसला ये, जब आप इस्लाम में नहीं आ रहे तो आप शरिया लॉ कैसे इम्प्लीमेंट करवाएंगे, कैसे अपनी हुकूमत को कहेंगे कि शरिया लॉ लेकर आओ? अब आपके इमाम खुद शरिया की पाबंदियों को, बात सुनिए, इमाम आपके शरिया की तमाम चीजों को तोड़ चुके हैं, आप शरिया को मैंने उनको साइड किया। मैंने आपसे ये पूछना था कि भाई सोसाइटी में हम किस तरह इम्प्रूवमेंट लाएं, क्योंकि एक चीज आपको मैं बता दूं, इकोनॉमिकली जो है ना हम सबसे पीछे हैं। अब आप इस वक्त इन्फ्लेशन रेट देखें कितना ऊपर है, और जो है ना हमारे कंट्री में करप्शन देखें, और जो ऑनेस्टी का जो एक वो इंडेक्स बन जाता है जिसमें टॉपिक से हट रहे आयु भाई, ठीक है मेरा काम जो है ना, नहीं आयु भाई बात सुन लीजिए, ऐसा मुस्लिम ये गवर्नमेंट के काम है, ये जो हमारा जो हाकिम होता है ना उसके काम है इम्प्लीमेंट करना। लिसन, अब सुन लो, अब मैं टॉपिक, क्योंकि डेढ़ घंटा हो गया मैंने आपकी बात सुन ली, आप इस्मालिज्म पे तो आ नहीं रहे, इस्मालिज्म पे तो आप आ नहीं रहे, लेकिन अब आप बन रहे हम तमाम मुसलमानों के लिए एक आपने जो टॉपिक छेड़ा कि हमारे सोसाइटी कैसे बेहतर हो सकती है, तो उसका एक ही तरीका है कि जो लॉज हमने अपने इस जो हमारे इस्लामिक अदवार जो दौर गुजरे उसमें जो लॉज थे उनको अगर हम वापस लेके आएंगे, और कैसे लेके आएंगे, हम आवाज बने, हमारी हुकूमत उसको इम्प्लीमेंट करे। जैनब का केस हुआ, लोगों ने कितना वहां पर जाके पार्लियामेंट में कहा कि शरीयत को नाफिज करो, उसको डायरेक्ट फांसी दो। जब इस तरह के बार बार चीजें आएंगी सामने तो हुकूमत और हाकिम मजबूर होंगे शरिया लॉ लाने में। लेकिन जब आप मुसलमान ही नहीं हो, आप कहते हो कि हम शरीयत की तमाम पाबंदियों से फारिग हैं, अब हम हकीकत और मार्फत पे पहुंच गए, तो फिर शरीयत कौन लाएगा? हम मुसलमान, हम तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें सबको मिलके करना चाहिए। टॉपिक से आप हट गए हो, लेकिन पहली बात ये, हमें अल्लाह ये नहीं पूछेगा कि आपने जो है वो माशरा कैसे सही किया, अल्लाह ये पूछेगा तुमने क्या किया। तो हम ये बताएंगे अल्लाह पाक हमने खुद को भी ठीक किया और अपने माशरे को ठीक करने के लिए मैंने ये आवाज उठाई, मैं इस लेवल तक गया वो काम करने। सबसे पहले अय्यूब भाई, आप पहले मुसलमानों को देखना बंद करो, आप कुरान पढ़ना शुरू करो, कुरान को ही फॉलो करो, जो चीजें कुरान से टकराती हैं उनको उठा के फेंक दो, क्योंकि अगर वो कुरान और हदीस में नहीं है और मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी ने नहीं किया, हजरत अली रजी अल्लाह ने नहीं किया, मौला हसन हुसैन ने नहीं किया, तो फिर वो बाद में जो भी कुछ ले आएगा वो इस्लाम नहीं होगा, ये बात तो तय है। अब 1400 साल के बाद कोई उठ के आ जाता है कि शरीयत खत्म हो गई, मार्फत हकीकत और ये और वो फला ढमकाना, ये सब चीजें हैं, तो हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि कुरान से टकराती है। तो आप भी कुरान से टकराने वाली चीजों को, चाहे वो मुसलमान करे, चाहे वो इस्माइली करे, चाहे इस्माइली इमाम करे, चाहे मुसलमानों का इमाम करे, दीवार पे दे मारो मेरे भाई, हमें भी मत सुनो, सिर्फ कुरान को सुनो, हदीस को मानो। इस पे
कुछ सेकंड्स जो है ना इस सवाल पे मैं खुद आंसर जो है इस पे बात करूंगा, वो ये है कि मेरे नज़दीक जो है ना मुझे ये लगता है कि मेरे ख्याल से सोसाइटी में जितने भी हम मुसलमान हैं सोसाइटी में, हमने जो है ना सही तरीके से हमने शायद कुरान नहीं पढ़ा, सही से हमने जो है ना नमाज का जो है ना, आप कब पढ़ोगे अयूब भाई, आप सोसाइटी कर रहे हो, आप कब पढ़ोगे, हमने सही नहीं पढ़ा और इस वजह से जो है ना हम अपने सोसाइटी को बेहतर भी नहीं कर सके अभी तक, और सिर्फ हम जमाल खाने में तीन दफा जाके नमाज, आप जमाल खाने में जाके तीन दफा दुआ पढ़ते हो उसको आप नमाज बोल देते हो, कुरान पढ़ा होता तो आप ये काम करते, आपको जमाल खाना मिलेगा ही नहीं कुरान में, आप मुझे बोलने ही नहीं दे रहे, नहीं आप सोसाइटी की बात मत करो ठीक है, हम लोग यहाँ पे सोसाइटी चेंज नहीं करने हैं, हम यहाँ पे ईमान को रिवाइव करवाने के लिए अल्लाह का मैसेज देने बैठे हैं सोसाइटी के लिए, जी बिल्कुल प्लीज, क्या बेहतरी हो सकता है सोसाइटी में आप बता दें, ईमान जो है ना वो एक ऐसी नेमत है, ऐसी बेहतरीन जो है वो अल्लाह की नेमत है कि अगर आप खुद ईमान में आ गए तो एक बंदा अच्छा हो जाएगा, इस तरह हर कोई ईमान अपना मजबूत करता जाए, गुनाहों से बचता जाए, तकवा पर इख्तियार करे, परहेजगारी करता जाए तो वो खुद ही रिश्वत से बच जाएगा, जिना से बच जाएगा, पांच वक्त वजू करेगा, नमाज पढ़ेगा, अल्लाह से डरेगा, क्यों नहीं सोसाइटी में चेंज आने वाला, लेकिन अगर हर कोई ये कह दे कि जी शरीयत खत्म हो गई और अल्लाह की तमाम जो है वो कानून और बंदिशें हमसे खत्म हो गई, अब हम कयामत के दौर में आ गए और यौमुल कयामा मनाओ और ईद मनाओ, तो फिर कयामत तो आ गई ना, फिर जो मर्जी करते फिरो। अच्छा ठीक, अब मैं बोल सकता हूँ, कुछ सेकंड्स मुझे दे सकते हैं आप? अच्छा तो ठीक है, सलीम भाई आपसे बात करेंगे, सलीम भाई आप रेडी रहिएगा, अच्छा बात कर सकता हूँ जी अय्यूब भाई, बोलिए जी। तो मेरे नजदीक ये है कि यही बात है, इसके बाद मेरा लास्ट क्वेश्चन है, बस खत्म कर लेते हैं, तो मेरा यही है कि इस पे मेरा नजरिया कि भाई हम जो है ना माशरे में हमने वो वही ना कि कुरान का दिल पे जो है ना उतर जाना और ऊपर ऊपर से निकल जाना फर्क है, तो शायद हमने जो है ना नमाजें भी उसके बारे में पढ़ी हैं, रोजा हज जक़ात सब चीजें पढ़ी हैं, लेकिन उसका जो माना है असल में जो है ना दिल पे नहीं उतरा है, जिसकी वजह से हम माशरे में जो है ना ज्यादातर मेजोरिटी जो मुसलमान है हम अपने भाई को धोखा देते हैं, जो है ना अपने किसी जो है ना अब किसी यूनिवर्सिटी में जाए तो आपको एक मयारी तालीम जो है ना हमें पाकिस्तान में नहीं मिलता, वहां से भी हमें लूटते हैं, हेल्थ सेक्टर में जाएं किसी हॉस्पिटल में उससे उधर भी धोखा मिलता है, घर पे कुरान पढ़ा है सुबह रात को पढ़ते हैं सुबह धोखा देते हैं, एक महीने के लिए हज पे जाते हैं आके इधर जिनके पास कैपेसिटी है वो जाते हैं हज, मैं एक गरीब बंदा तो मेरे पास भाई जवाब तो पूछो ना यार, आप खाली लेक्चर देगा जवाब पूछिए ना भाई, सवाल पूछिए आप सवाल जी जी, तो हज के लिए मैं जाता हूँ, कोई बंदा जाता है आप, वो आके आप अपने ऑब्जर्वेशन थोड़ी देर के लिए सुनिए भाई मेरे, आप अपने ऑब्जर्वेशन को थोड़ा साइड पे रखिए, आपका सवाल क्या ये पूछिए बताइए, क्योंकि डेढ़ डेढ़ दो दो घंटा हो, हमें मजीद सीखने की जरूरत है, इसलिए भी मैं यहाँ पे आया हूँ कि सोसाइटी में बेहतरी हो, अब आखिरी जो है ना मेरा जो क्वेश्चन है वो लास्ट है, हमें मजीद सीखने की जरूरत है, मजीद इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, और लास्ट मेरा ये है कि हम अक्सर जिस तरह से अलीना और इन्होंने जो है ना बात की कि प्रिंस करीम आला खान इनके बारे में, तो मेरे ख्याल से फिलहाल के लिए जो है ना ये चीज़ें छोड़ दें कि वो मुसलमान हैं काफिर हैं वो बुरे हैं अच्छे हैं जो भी हैं, वो कोई इंसान है और उसका और उसके अल्लाह के दरमियान जो भी मामला है, मैं फिलहाल एक चीज़ बात यहाँ पे मेंशन करूँगा, मेरे नज़दीक जो है ना पाकिस्तान में अगर अरे सवाल ही नहीं बता रहे यार आप आप फिर वही चालू कर देते, आपको तो सारा बता दिया, हाजर इमाम का पेज किस लिए रखा है, हाजर इमाम अगर अपने 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 आप को अले बैत बोल के इतने सारे गलत काम कर रहा है और मुसलमानों को बेचारे मासूम इस्माइलियों को गुमराह कर रहा है और वो सब चल रहा है, आप फिर से वही बात पे आ रहे हो घुमा फिरा के, अभी आप सोसाइटी को पहले अपने आप को तो बदलो, वहाँ पे दूसरे तीसरे चीजें हैं, तो पाकिस्तान में जो है बाकी सारी चीजें वो तो चार आना दे के 100 रुपया खींचने का काम कर रहा है जी जी सॉरी, वो तो क्या है मेरे भाई देखो दसों आप लोग 12.5% भरते हो सारे इस्माइली, तो वो तो चार आना दे के 100 रुपया खींच रहा है और क्या है,
लेकिन जो है ना आप देखें सोसाइटी में वो जो भी है जिस तरह भी वो जो फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट का जो काम कर रहा है इसी तरह जो है ना एक पॉलिसी। अरे यार आपको क्या, मैं आपको बताता हूँ कितने कितने इस्माइली लोग भीख मांग रहे हैं, आप आइए हमारे पास हम बताते हैं आपको, मुशाहिदे की बात है ये, थोड़ी इधर फेगम पाक कर रहे हैं। मेजोरिटी की बात होती है, मेजोरिटी मैंने मुसलमान देखे हैं जी। अरे नहीं नहीं तो आगा खान तो अपने आप को दुनिया के लिए बहुत बड़ा रहम वो खिदमत गुजार बता रहा है ना, तो वो तो अपनी कौम को पूरा नहीं कर पा रहा है तो दूसरे को क्या करेगा, कौम से ही पैसा लूट के कौम को पूरा पैसा नहीं मिल रहा है जी। कोई भी इस तरह कोई भिखारी वगैरह नहीं है सोसाइटी में, इम्प्रूवमेंट्स हो रही है, मजीद एजुकेशन पे काम हो रहा है। क्या सब कमाने के धंधे है मेरे भाई, वो तो सब कमाने के धंधे है, कहाँ पे फ्री में पढ़ा रहा है, फोकट में पढ़ा रहा है क्या वो किसी को? तो भाई आपको पता ही नहीं है फ्री क्यों होता है, वहाँ कहीं पे चार्ज क्यों होता है। आप इकोनॉमिक्स पढ़े, आप मेरे पास आ जाए, मैं आपको इकोनॉमिक्स सिखा देता हूँ। क्यों आप क्या इकोनॉमिक्स का मतलब, हमारे को मालूम है ना इकोनॉमिक्स। देखो सुनो, इकोनॉमिक्स सिंपल है, मैं आपको बताऊं, 1,00,000 बेवकूफ दुनिया में ढूंढने का और जिसको 10,000 रुपए का चूना लगाने का, 100 करोड़ अपने खींचे में। 1,00,000 × 10,000 इज इक्वल टू 100 crores, यही फॉर्मूला है आगा खान का। आगा खान ने 20,00,000 बेवकूफ चुन लिए, वो बिचारों से 12.5% दसों ले रहा है और खुद मौज कर रहा है। अब समझ में आई बात आपको, किस तरह काम करती है, एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है ये। वही बोलता हूँ ना मैं आपको, 20 क्यों छोड़े, वो क्यों छोड़े, वो क्यों छोड़े भाई। आप तो अभी बोल रहे थे मुसलमानों को सुधारने के लिए हमको बहुत कुछ करना चाहिए, अब आपका आगा खान जो इधर बेवकूफ 20,00,000 लोगों को बेवकूफ बना करके पैसे जमा कर रहा है उसका क्या? अच्छा, शराब के धंधे उसके सूद पे पैसा वो दे रहा है और बोलता है मैं मुसलमान हूँ और मैं ठेका लेके रखा हूँ मुसलमानों का, अपने आप को इस्लाम। आपको गुस्सा आ रहा है भाई? मैं आपको, मैंने कोई नहीं 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 गुस्सा नहीं आ रहा है मेरे भाई। अरे गुस्सा काहे को आएगा, मैं तो आपको एक बात बता रहा हूँ, वो बात आपको जरा तीखी लग सकती है लेकिन बुरी भी लग सकती है, लेकिन ये बात फैक्ट है मेरा भाई। जी जी अच्छा, हमारे पास ऐसे बहुत, हाँ आवाज बहुत अच्छे से आ रही है। जी जी ये वो मोहम्मद माशाल्लाह भाई की जो है सबर बहुत अच्छा। जी अली भाई कुछ बोल रहे हैं। जी अली भाई, मोहम्मद भाई से कोई सवाल करो बोले तो, रामायण पढ़ने बैठ जाते, सीता राम, राम सीता क्या थे, दोनों भाई बहन थे क्या? भाई तुम सवाल करो ना मेरी जान, रामायण की कहानी शुरू करेंगे तो। अच्छा खैर, सॉरी आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, मेरे तीनों क्वेश्चन जो है ना कुछ स्टेटमेंट्स के तौर पे थे, वो सारी चीजें क्लियर हो गई। लेकिन नहीं वो अब क्या आयू भाई, आप क्या कर रहे हो, वर्ल्डली टॉपिक्स हैं, लोगों के साथ आपका जो एक्सपीरियंस था उसका ना, उसका ताल्लुक एक मेरा से 1-2% जो है वो हमारे इस स्ट्रीम यार्ड से हो सकता है, वैसे ऐसा कोई टॉपिक नहीं है। अभी रमजान आने वाला है, अब अगर मैं आपसे पूछूंगी कि आयू भाई आप रोजे रखोगे तो आप कहोगे मैं तो रखता हूँ, लेकिन जो इतने सारे इस्माइली हैं और जिनको ये कहा गया है कि तुम लोग बात नहीं रोजा रखो, तो इसका अजाब जो है वो आपके इमाम के सर पे आएगा। आप आगे से कहते हो कि नहीं वो अल्लाह जाने और इमाम जाने, तो भाई अगर खाली अकेला आगा खान जो है ना वो कुछ गुनाह कर रहे होते तो फिर ठीक है, वो अल्लाह और उनका मामला था, लेकिन आगा खान साहब खुद भी गुनाह कर रहे हैं और अपनी जमात से भी करवा रहे हैं, खुद तो कोई इबादत करते ही नहीं वो सिरे से, लेकिन जो लोग करना चाहते हैं उनसे भी उनकी इबादतें छीन ली है। तो सब अब मामला अल्लाह और आगा खान के बीच नहीं रहा, अब ये अवाम की लेवल तक आ गया है। अब कितने सारे इस्माइली जिनका रमजान का रोजा नहीं होने वाला, क्या करेंगे इसका बताओ? जी मैं बता देता हूँ, तो आपने जो बात की मैं समझ सकता हूँ, जो है ना मैं डीपली इसको मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अगर इस बेस में मैं जाऊँगा यहाँ पे जो है ना लंबा जो है ना टाइम लगेगा। लेकिन एक चीज मैं आपको एक चीज शेयर कर लूँ कि जो है ना इख्तितामन मेरा जो स्टेटमेंट है वो आपका इसी स्टेटमेंट के साथ लिंक करके मैं बता देता हूँ। फिलहाल वही बात है कि ये सारी चीजें जो भी हैं वो काफिर हैं, जो भी है खैर बड़ा सेफ बोल रहे हो यू भाई, हमारे यहाँ तो बड़ा अच्छी तड़ी बोला जाता है। मैं असल बात पे नहीं आऊंगा, मैं सबको मिला के बोलूंगा भाई, असल बात पे क्यों नहीं आ रहे? अगर आप इस्माइली हैं आप एडमिट करो ना, खुलेआम करो। अब आपकी देखो, आपके इमाम का जो है वो फरमान है, वो कहते हैं हम लोग रोजा नहीं रखते, हम 5 की जगह 3 वक्त की दुआ पढ़ते हैं। अब आप क्या, आप बताओ रमजान में, अब जी जो मुसलमान रोजे नहीं रखेंगे, जो इस्माइली रोजे नहीं रखेंगे, इसका आप कसूर जो है, इसका गुनाह सुल्तान मोहम्मद शाह के सर पर आता है कि नहीं आता, करीम खान के सर पे आता है कि नहीं आता? अब आप बोलोगे नहीं, अब आप घूम जाओगे। इसका आंसर, चले मैं इसी का आंसर में बता, हाँ चले बिस्मिल्लाह, चाहे वो कोई
मुसलमान जो है ना किसी भी फिरके में जो है ना कोई बंदा बैठ के किसी को भी जो है ना गलत गाइड करेगा, और ये होता भी है, चाहे वो इस्माइली हो, कोई भी हो, किसी भी फिरके में, किसी भी मजहब, चाहे क्रिश्चियन हो, जो है ना हिंदू हो, कोई भी बैठ के अगर लोगों को गुमराह कर रहा है और गलत तरीके से उनसे उनको बेवकूफ बना के जो है ना उनको नुकसान मिल रहा है, तो जाहिर है वो चाहे मैं हूँ, आप हैं, वो तीसरा चौथा सो ऑन एंड सो फोर्थ कोई भी हो सकता है, सबको उसका जो है ना सजा उसको मिलनी है, वो अलग चीज है। मैं एक एंड पे जो है ना मैं एक बात करूंगा, वो ये है कि हमें इन चीजों से कि भाई कौन मुसलमान है, कौन काफिर है, कौन क्या है, इन चीजों से निकल के और इन चीजों पे बेस करके वक्त जाया करने से, वो तो अल्लाह ने देना है ना कि भाई कोई मैं काफिर हूँ तो मुझे अल्लाह ने दोज़ख में जगह मिली, कोई जो है ना मुसलमान है, कोई सच्चा मुसलमान है तो उसको जन्नत मिलनी है, वो अल्लाह ने करना है, मैंने तो नहीं करना है। अब आप ये करना चाह रहे हैं कि हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी सोसाइटी को बेहतर करें, अब आप ये बोलना चाह रहे हैं, ठीक है? अच्छा सुन लो आइए भाई, अब देखो प्रोग्राम नहीं है, जब टाइम ज्यादा नहीं है इसलिए मुझे क्विक क्वेश्चन आंसर देने दें। आयुब भाई कहते हैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, कोई किसी को काफिर बोले, किसी को मुसलमान बोले, वो तो अल्लाह का मामला है, हमें अपने एफर्ट्स जो है वो सोसाइटी को बेहतर करने में लगाना चाहिए। आयुब भाई सोसाइटी में कितना अर्सा रहोगे, कितने साल जी लोगे, 60 साल 70 साल 80 साल, लेकिन जो आखिरी अबदी आपकी हयात है अल्लाह वहां पर आपको अबदन अबदा वहीं रखेगा, उसकी फिक्र नहीं है आपको? आप रोजे छोड़ रहे हो, आप हज छोड़ रहे हो, आप जकात छोड़ रहे हो, आपने पूरा इस्लाम छोड़ दिया लोगों को देख के, आपको वहां की सोसाइटी की टेंशन नहीं हो रही कि वहां दोजख की सोसाइटी कैसी होगी, वो टेंशन नहीं है आपको? अभी जहाँ पे रह रहे हो वहां की टेंशन है आपको? मैं आंसर देता हूँ, असल में दुनिया के टेंशन ज्यादा है हमसे, जो 100 साल 150 साल या 70 साल से जो जब से पाकिस्तान बना है या जब से मुसलमान का ये आया है, तब से जो पीछे गए हैं उन्होंने इतने हमारे लिए मसाइल छोड़े हैं, इतने खराब काम किए हैं, उन्हीं मसाइल को मैं यहाँ पे हम सेट नहीं कर सके, तो मैं पहले यहीं सेट कर लूँ ताकि कोई अगला जनरेशन कोई जो है ना मुझसे कोई मेरे बच्चे दुनिया खत्म होगी कि नहीं, मुझ पे जो यहाँ पे जो है डिवाइड होके मुझ पे जो बोझ आ रहा है इन्फ्लेशन का डायरेक्ट मुझ पे असर हो रहा है, कहीं जाना और ट्रांसपोर्ट मेरे लिए सही नहीं है, ये पीछे करप्शन करके बड़े बड़े लोगों ने जिनके हाथ में आना था उन्होंने अपने अपने महल में जो है ना मेंशन में बैठे, मैं वहीं किसी छोटी चीज में किसी जगह में मैं बैठा हूँ, तो इन चीजों को देख के मैं तो तंग आ गया हूँ, यहाँ पे अगले किसी जनरेशन के लिए इम्प्रूव हो, बाकी अल्लाह जाने मैं इनके लिए थोड़ा कुछ अच्छा काम करूँ तो शायद अल्लाह। टाइम खत्म हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अय्यूब भाई, माशाल्लाह से आप में बहुत सब्र है, बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत अच्छे से जवाब देते हैं, लेकिन बस पॉइंट पे नहीं आते, वो कहते हैं ना कि हर चीज परफेक्ट नहीं होती है, तो आपने बहुत इधर उधर घुमाने की कोशिश की, आप असल पॉइंट पे नहीं आए, क्योंकि इस्माइलिज्म का आप एक भी चीज डिफेंड नहीं कर सकते, इसलिए आप बहुत सेफ खेल गए, कोई मसला नहीं है, जनरेशन के लिए आप अच्छा करना चाहते हैं, अच्छी बात है, अपनी आने वाली नस्लों के लिए सोचते हैं, लेकिन फिर वो भी चीज सोचे कि दुनिया फानी है, जितनी मर्जी जनरेशन से जनरेशन आप उसको अच्छा बनाते जाओ, एंड पे दुनिया खत्म हो जाएगी, हर चीज फट जाएगी, रेजा रेजा हो जाएगी, और फिर एक आखिर में एक ही आवाज आएगी और अल्लाह सुभान ताला की वो आवाज होगी कि अब कौन है जिंदा, इवन मौत का फरिश्ता भी मर जाएगा, रहेगा बाकी सिर्फ अल्लाह का नाम, और फिर दुनिया वापस जो है वो खलकी जाएगी, दुनिया नहीं खलकी जाएगी बल्कि आखिरत का जो है वो अल्लाह के सामने हम जवाब दे होंगे, और वो जिंदगी अबदन अबदा हमेशा रहने वाली, उसकी फिक्र ज्यादा होनी चाहिए, पहले ईमान दुरुस्त कीजिए, उसके बाद जो है वो दूसरों के भलाई के लिए भी निकले, आप अच्छे होंगे तो 10 लोगों का भला करेंगे, लेकिन आप में ही ईमान नहीं तो आप किसी का भला नहीं कर सकते, काफिर काफिर ही रहेगा, चाहे वो जितना मर्जी भला कर ले आखिर में अल्लाह के नजदीक वो दोजख में जाएगा, क्योंकि वो अल्लाह का इनकार करता है। इमाम अली भाई आप किसी को अगर कॉल कर रहे हैं तो मिला लीजिए, वरना यहाँ पे हमारे नमाज का टाइम हो गया है, इंशाल्लाह रात को मेरा प्रोग्राम है अकबर खोजा के साथ, उनका इंटरव्यू का पार्ट 2 है, जरूर फॉलो कीजिएगा, रात को पाकिस्तानी 9:30 बजे वो प्रोग्राम है, अकबर खोजा की दिलचस्प बातों को हम लोग इंजॉय करेंगे आज फिर पार्ट 2 में, मालिक खोजा भाई ने ज्वाइन किया है, मैं प्रोग्राम एंड करने लगी, एक सेकंड में एक नंबर मिला रहा हूँ, देखो कि उसको, ठीक है हाँ ये हमारे भाई लोग बात कर लेंगे, मैं आप लोग को ना स्ट्रीम पे ही छोड़ के तो नमाज का कर लेंगे हम, वी आर मोर वरीड देन द
अभी क्या लिखा है, he is more worried about inflation instead of आखिरत। इरफान शेख भाई का कमेंट है, अरे तुम लोगों की औकात क्या है जो अहले बैत फैमिली को डिस्कस कर रहे हो। अहले बैत की फैमिली कौन, मतलब समझ नहीं आया। अहले बैत की फैमिली आगा खान को कह रहे हैं, उनको पहले साबित कीजिए कि वो मुसलमान है, उसके बाद साबित कीजिए वो इंसान है, और फिर साबित कीजिए कि वो अहले बैत है। जियो सिस्टर्स बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब अहमद भाई, जजाकल्ला खैर। इमाम अली भाई किसी को कॉल लगा रहे, अगर वो आ गए तो इंशाल्लाह मलिक भाई और सिस्टर मरियम उनसे बात कर लेंगे। मुझे आप लोग 10 मिनट का ब्रेक दीजिएगा। फ्रेंच अहले बैत कौन है, फ्रेंच अहले बैत उठा रहा। अच्छा वो करीम भाई तो भाग गए मेरे ख्याल से, वो दोबारा नहीं आए। ये जो सिस्टर हमारी अभी आई हैं बैक स्टेज पे, इनका नाम, अपना नाम प्लीज चेंज कर दे, व्हाट्स इन द नेम नहीं चलेगा। और मैं जो है ना वो आपका क्या कहते हैं लिंक आपको यूट्यूब वाले चैनल पे दे रही हूँ, आप वहां से ज्वाइन करेंगे कि आप कहीं और से ज्वाइन करती हैं, ऑफ होता है यूट्यूब से ज्वाइन कर लीजिए। और एक नंबर ट्राई करता हूँ, ठीक है? एक आप फारिग हो जाओ बहन, आप फारिग हो जाओ, क्योंकि उनको अगर ऐड करना पड़ेगा तो यहाँ से क्लिक होता है, मैं ऐड करके फिर चली जाऊंगी, मतलब है भी टाइम। आपको पैसे चाहिए क्या, बोल के पूछ रहे हैं। आपका कैमरा ऑन है, व्हाट्स इन द नेम वाली, नेम मैं आपका चेंज कर देती हूँ, मेरे पास ऑप्शन आ जाता है। मैं आपका नाम कुछ रख देती हूँ, मैं आपका नाम कैंड्रा स्पीयर्स रख दू, तलवार रख देती हूँ जी, आपको मैं ऐड कर देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम टीचर सलवा सिस्टर। वालेकुम अस्सलाम। आप बहुत लेट हो गई, माशाल्लाह से 3-4 इस्माइली भाई आए थे जिनसे बात हुई। हुसैन आजम को यहाँ पे लिंक दे देती हूँ, आप ज्वाइन कीजिए, बाकी से बात कीजिए। यहाँ पर मैं आती हूँ, 5 नमाज का टाइम हो गया, यहाँ भी नमाज का टाइम हो रहा है। चले फिर मैं प्रोग्राम एंड कर देती हूँ। अली भाई तकरीबन 2 घंटे हो गए, क्योंकि मुझे अभी 9:30 बजे अकबर खोजा के साथ भी प्रोग्राम है, तो वो करना है, फिर मैं इंशाल्लाह बरस। ओके बहुत बहुत शुक्रिया जी मलिक भाई, बहुत शुक्रिया आपने हमें सपोर्ट किया, सिस्टर मरियम, अली भाई, सिस्टर सलवा, आप हमें बाद में ज्वाइन कीजिएगा अकबर खोजा वाले प्रोग्राम के बाद। इंशाल्लाह ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। एक सेकंड।